जैसे कि हम सबकी जिंदगी में दुनिया के लिए कुछ किरार है, कुछ परेशानियां है, कोई दुख है, लेकिन आज उन सबके लिए ये वक्त है कि वो दुख को परेशानियां आज हम उसकी हजूरी में छोड़ कर जाएंगे। और मेरा ईमान है कि जब हम ये कलाम सुनेंगे, हम सीखेंगे, तो ये वक्त हमारे लिए, हमारी जिंदगी में एक नई बरकत का वक्त होगा। हम सीखेंगे खुदा के जिंदा पाक लाने से, ज़बूर 144 उसकी 12 जवानी में बगावत पौधों की मानी हो और हमारी बेटियां नहर के कोने के लिए तराशी हुए पत्थरों की मानी हो। आमीन। क्योंकि आज के कलाम में हम सारी बातें औरत से रिलेटेड सीखेंगे कि एक बेटी का, एक बहन का, एक माँ का, एक बीवी का, एक खानदान में, एक कलीसिया में क्या किरदार है। आज हम खुदा के कलाम सीखेंगे और मेरा ईमान है कि जब हम कलाम सुनेंगे तो ये कलाम हमारी जिंदगी को बदलेगा। हम जानते हैं कि मसीह के दुल्हन क्यों है, कलीसिया है, और कलीसिया जो है वो खानदानों से मिलकर बनती है, और खानदान किससे मिलकर बनता है, माँ बाप, मियाँ बीवी और बच्चों से। और इस खानदान में एक औरत का, एक बहन का, एक बेटी का, एक माँ का बहुत अहम किरदार है। खुदा ने इस रिश्ते को बहुत अहमियत दी है। हमारे दीन मसीहत ने औरत को एक खास इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। हालांकि बहुत सारे मजाहिब हैं जो औरत को इज्जत देते हैं, लेकिन जो मुकाम हमारी क्रिश्चियनिटी में औरत का है वो और किसी जगह पे नहीं। इसके लिए हम सीखेंगे क्योंकि एक हमारी बेटियों को क्या कहा गया है कि हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशी हुए पत्थरों की मानिंद हैं। मानिंद हो, मानिंद हो, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी क्या कहा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। तो कोने के सिरे का पत्थर क्या काम करता है? वो एक फाउंडेशन देता है, एक बेस देता है, क्योंकि हमें उस पत्थर से, उसके पत्थर जैसा होना है। एक पत्थर की क्या खूबी होती है? एक पत्थर की ये खूबी होती है कि जब कोई भी चीज उससे टकराती है तो वो टूट के चकनाचूर हो जाती है। एक पत्थर क्या देता है? मजबूती देता है, वो बेस देता है। कोने के सिरे के पत्थर का काम ये है कि वो चीजों को इस तरह से जोड़ के रखता है, दो दीवारों को जोड़ के रखता है, जिसपे हमारी जो इमारत है उसकी मजबूती का एहसास उस पत्थर पर होता है। इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह जो है वो उनको कलीसिया के कोने के सिरे का पत्थर कहा गया। आज हमारी जिंदगियों में भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, लेकिन अगर उस पत्थर को हम बुनियाद बनाकर हम उसके मानिंद होते हैं तो यकीनन हम वो मजबूती भी हासिल करेंगे। क्योंकि हमारी बेटियों को कहा गया है कि कोने के
तराशे हुए पत्थर के माने कि उनमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें वो खूबियां होनी चाहिए, उनको उस कोने के सिरे के पत्थर की मानी होना चाहिए जो कि लिविंग स्टोन है। जो स्कॉलर है वो इसको कैपस्टोन भी कहते हैं, कीस्टोन भी कहते हैं, और वो ऐसे स्टोन है जो यूनिक है, जो मुनफरिद है, उसके जैसा कोई भी नहीं। तो हमें भी उसके जैसे बनने के लिए कहा गया है। ये हमारे आज के पैगाम की मरकजी आयत है कि हमें उसके जैसे बनना है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह है जो एक बुनियाद है, जो हमारी फाउंडेशन है। ऐसे ही जो हमारी बहने हैं, बेटियां हैं, वो अपने खानदान में एक कोने के सिरे के पत्थर की तरह मजबूत भी होनी चाहिए। वो एक घर की फाउंडेशन है, एक पूरा घर उस पे तामीर होता है। और अगर यही बहने बेटियां जब कलीसिया में है तो फिर भी उन्हें कोने के सिरे के पत्थर की तरह होना चाहिए। और जहाँ हमें कमी है, हमें तराशने की जरूरत है, वहां खुदा का कलाम हमारी हर कदम पे हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। और यही बात आज हम कलाम से सीखेंगे। तो ये बात है कि उस पत्थर की मानित हमने बनना है, कि खुदा यीशु मसीह की मानित हमने बनना है, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे कि एक औरत का मुकाम क्या है, और सबसे पहली औरत कौन थी, इस बात के बारे में हम सीखेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे मज़ाहिर हैं जो औरत को इज्जत की ही निगाह से देखती हैं, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने इस कलाम के में एक औरत को दिया है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। हवा जो है वो पहली औरत है। जब हम कलाम में देखते हैं तो खुदा ने आदम के लिए एक मददगार को बनाया, खुदा ने उसके ऊपर एक गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से हवा को दिया कि औरत जो है उसको ये मुकाम दिया है कि औरत मर्द के बराबर है। आज भी हमारी सोसाइटी में औरतों को कमतर समझा जाता है, औरतों को हकीर समझा जाता है, लेकिन हमारे मजहब में, हमारे कलाम में औरत को बराबरी का मुकाम दिया गया है। फिर उसको औरत का नाम दिया गया, फिर उसने उसको हवा का नाम दिया। इस तरह से एक पहली औरत तकलीफ की गई और हवा जो है उसको बहुत सारे एजाज हासिल है। वो पहली खतून है जिसका कोई लड़कपन नहीं था, कोई बचपन नहीं था। वो पहली खतून है जो पहले बीवी बनी है, बाद में वो कोई रिश्ते उसने अपनाए। वो पहले बहन नहीं बनी, वो पहले बेटी नहीं बनी, खुदा ने उसको पहले बीवी बनाया है। उसके बाद वो पहली औरत है जो सबसे बड़ी एक औरत के लिए एजाज की बात है कि वो हवा है जिसने सबसे पहले ये पेशेंट को इसको दिया। जब उन्होंने गुनाह किया था तो गुनाह दोनों ने किया था, बेशक उसने फल खाया था लेकिन आदम ने भी खाया था। जब गुनाह दोनों ने किया था तो खुदा ने सजा भी दोनों को ही दी थी। खुदा ने आदमी को सुपीरियर नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि आदमी ज्यादा मोतबर है, उसका मुकाम ज्यादा आला है। दोनों को ही सजा दी थी और खुदा ने फिर बरकत भी दोनों को दी। जब उनको खुदा ने सजा दी, खुदा ने उनको एक खानदान के तौर पर बनाया, तो फिर खुदा ने उन्हें बेटे बेटियों जैसे तोहफे भी दिए। खुदा ने औरत और मर्द को इज्जत और एहतराम बराबर दिया है, लेकिन उनके कुछ हकूक और उनकी कुछ जिम्मेदारियों में फर्क कर दिया है, लेकिन खुदा ने कलाम के मुताबिक खुदा ने उन दोनों को बराबर का मुकाम दिया है। अगर आज हमें कोई भी इस बात को कहता है कि औरत हकीर है, तो हम खुदा के कलाम से इस बात को सीख सकते हैं कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाया है और खुदा ने दोनों को बराबर बरकत दी है। फिर औरत को खुदा ने ये भी फजल बख्शा है, औरत के पास ये भी एजाज है कि उसको तौलीद का निजाम चलाने के लिए भी खुदा ने चुना है। एक औरत ही है जो पूरी कायनात में, औरत की वजह से ही ये कायनात बनी है। औरत ही है जो बच्चे पैदा करती है, औरत ही है जो नस्ल को आगे बढ़ाती है, और खुदा ने ये एजाज औरत को दिया है। खुदा ने अजवादी बंधन को खुद बांधा है, दोनों को खुदा ने औलाद भी खुद दी है, तो इसलिए औरत और मर्द दोनों खुदा की नजर में बराबर है। और यही वजह है कि पुराने अहदनामे में भी, नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि औरतें जो है वो नबियों और रसूलों की शाना बशाना को खिदमत भी करती है। आज जो लोग इस बात की भी नफी करते हैं कि औरत जो है वो खिदमत नहीं कर सकती, आगे जाके मैं आपको खुदा के कलाम से ये चीज सिखाऊंगी कि औरतें खुदा के कलाम की मुनादी भी कर सकती हैं,
वो प्रोफेसीज भी कर सकती है, उसे कुछ कर सकती है। खुदा ने उन्हें हर तरह का हक दिया है। इसी तरह खुदा ने जो इज्जत और एहतराम, जो प्रोटेक्शन हमारे मजहब में एक औरत को दी गई है, वो किसी और मजहब में नहीं। हम देखते हैं कि एक औरत जब पैदा होती है तो सबसे पहले उसकी हैसियत एक बेटी की, एक बेटी बनकर वो एक घर में पैदा होती है। अब अभी भी आज के दौर में भी इवन कि हम सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी इतनी न्यूज सुनते हैं कि बेटियों को कमतर समझा जाता है, बेटियों को हुकी समझा जाता है। हालांकि खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा ने, खुदा के कलाम में जरूर भी लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से अजर है, औलाद मेराज है, औलाद बरकत है। खुदा ने यही नहीं कहा कि बेटे बरकत है, बेटे मेराज है। खुदा ने दोनों को बरकत दी है, खुदा ने औलाद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसलिए आज जो भी लोग बेटियों को हकीर जानते हैं, वो खुदा के कलाम की नफी करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आज भी न्यूज में इतना कुछ देखते हैं कि उसकी तीन बेटियां थी, वो लड़ाई झगड़ा हो गया, तलाक दे दी। बल्कि पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज देखी है कि एक औरत, पहले उसकी दो बेटियां थी, तीसरी बेटी पैदा हुई है तो उसके हस्बैंड ने हॉस्पिटल में उसे मार दिया। जब अल्ट्रासाउंड किया गया कि बेटी है, उसने वहीं में उसको मार दिया। ऐसे लोगों को खुदा के कलाम से सीखने की जरूरत है कि बेटियां और बेटे दोनों बराबर है, दोनों की तरबियत बराबर करनी चाहिए। बल्कि अक्सर घरों में तो ऐसे भी है कि बेटों को ज्यादा प्यार दिया जाता है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है, बेटियों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इन्होंने अगले घर जाना है, ये अलग से हमारी जिम्मेदारी है, हम क्योंकि इनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। नो डाउट सब लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस ज़हनियत के मालिक हैं। कुछ खानदान ऐसे हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, या कुछ मर्द ऐसे हैं, इवन की कुछ औरतें भी हैं जो इस तरह करती हैं। हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने बेटी और बेटे दोनों को बराबर मुकाम दिया है, और ये भी खुदा की मर्जी है। तो वो जिसे चाहे बेटे दे, वो जिसे चाहे बेटी, जिसे चाहे औलाद दे और जिसे चाहे ना भी दे, ये सब उसके हाथ में है। और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मौत साहब का खुदावत है, वो कायनात का मालिक है, मालिक है, सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और आज के कलाम से हम एक बात सीख रहे हैं कि जो औरत है, जो बेटी है, उसका भी वही मुकाम होना चाहिए, उसको भी वही अहमियत, अहमियत और हैसियत देनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में अपने बेटों को देती है। अब जब बेटी पैदा हो गई है, एक बच्ची जो बचपन में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6-7 साल की है, उसकी तबीयत हमें किस तरह करनी चाहिए, ये बात हम आज सीखेंगे कि एक छोटी बच्ची को हमें किस तरह पालने की जरूरत है। इसके लिए हम देखेंगे स्तिष्णा 6 बाप उसकी 4 आय, स्तिष्णा 6 बाप और उसकी 4 आय। जिनका हुक्म मैं तुझे देता हूँ, तेरे दिल नशीन, तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी रात के जी नशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उसको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मांगे। आमीन। आज इतने छोटे बच्चों की भी तबीयत बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बेटे की तबीयत उस राह पर चल कर के वो बुढ़ापे में भी उससे ना हो।
ये कलाम अगर बेटे के लिए है तो ये कलाम बेटी के लिए भी है। अगर हम बचपन से ही खुदा के कलाम की ये सॉलिड खुराक अगर हम अपने बच्चों को देते हैं, अगर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हम उनको अपनी जिंदगी में जो अवल दर्जा है वो खुदा को ही देना चाहिए। ताकि हम देखते हैं कि अनाजील में जब खुदा यीशु मसीह से पूछा जाता है कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है, तो खुदा यीशु मसीह भी यही बताते हैं कि खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये बात हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। मैंने उनको बच्चों, छोटे बच्चों को सुना है, ये कहते हैं मैंने उन्हें सुना है कि अक्सर बच्चों से पूछा जाए तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो, जो बच्चे इस हुक्म को जानते हैं वो कहते हैं पहले नंबर पे जीसस क्राइस्ट, दूसरे नंबर पे पापा या मां। अगर हम अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं, ये बात सिखाई गई है उस बच्चे को, तो वो कह रहा है कि मैं पहले खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत करता हूँ। आज हमारे बच्चों को भी इस बात की जरूरत है कि हम उन्हें इस बात को सिखाएं, क्योंकि ये खुदावन का हुक्म है, ये हुक्म है, और हुक्म मानना हर एक के लिए वाजिब है, हर एक के लिए जरूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को चर्च में लेकर आए, बच्चों को खुदावन की हुजूरी में लेकर आए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। कुछ चर्चेस ऐसे भी है के बच्चों को अलग से बिठा दिया जाता है कि बच्चे शोर करते हैं, बच्चों को खुदा की हजूरी में खुदा के पास बैठने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी इसकी हजूरी है, उसका वक्त लगा है, वहां पर बच्चों की होना भी जरूरी है। और बच्चों को यहां से वो प्रस्तुत करेंगे, कलाम सुनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तो सीखेंगे, कुछ बातें तो देनी शुरू करेंगे। फिर बच्चों के लिए संडे स्कूल बहुत जरूरी, आप अपने बच्चों को, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अपने बच्चों को, बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें हम संडे स्कूल में लेकर आए। टीचर्स यहाँ पे बच्चों को वर्सेस याद करवाती हैं, बच्चे याद करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, यकीनन वो बरकत पाती हैं। फिर उनको टैबलो करवाए जाते हैं, फिर बाइबल में से छोटी छोटी कहानियों में सिखाई जाती हैं। इस तरह से चर्च जो है, चर्च में वो जड़ पकड़ती है, और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो रूहानी वर्गों में आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चियों को जो छोटी हैं, जैसे 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, छोटी बच्चियों को आप चर्च में लाजमी लेकर जाएं। और फिर खुदा यीशु मसीह ने बच्चों के बारे में यह भी कहा है कि आसमान की बादशाही बच्चे की मानी है, कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाए, छोटा बनाने की जरूरत है। अच्छा, आसमान की बादशाही बच्चे की मालिक क्यों है, उसमें एक बच्चे की तरह बनकर हमें दाखिल क्यों होना है? इसलिए कि बच्चे पाप होते हैं, बच्चे गुनाह नहीं करते, बच्चे माफी मांग लेते हैं। अक्सर हम ऐसा नहीं करते, हम ना तो किसी को माफ करते हैं, ना हम किसी से माफी मांगते हैं। एक बच्चे की मालिक इसलिए खुदा यीशु ने किसी ने कहा है क्योंकि बच्चे गुनाह नहीं करते, बच्चे गलती नहीं करते, छोटे बच्चे झूठ नहीं। फिर आगे आती है टीन एज की बच्चियां, जैसे कि 10-12 साल से 16-17 साल तक की एज में जो बच्चियां होती हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें उनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए। और ये पीरियड बहुत बहुत खास होता है। इस पीरियड में हमें अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत के लिए उनका पूरा फोकस करना चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बच्चियां कहाँ पे आ जा रही हैं, किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, स्कूल में कौन उनके दोस्त हैं, इस तरह के लोगों के साथ उनका ताल्लुक है। और सबसे बड़ी बात कि खुदा के कलाम को उन्हें सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी हम हमारे बच्चे, कुछ बच्चे मुस्लिम स्कूल्स में भी जाते हैं, तो बच्चे लोगों से, हमारे बच्चों से तरह तरह के सवाल करते हैं। तो हमारे बच्चों को खुदा के कलाम को सीखने की बहुत जरूरत है। फिर से कहूंगी, खुदा के घर में लेकर आए, संडे स्कूल में लेकर आए, और बच्चों को आप खुद भी सिखाएं, बच्चों के साथ पूरे कॉन्टेक्ट में, पूरे रास्ते में रहे, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ दोस्ती रखें कि वो आपसे हर तरह की बात को शेयर करें। इवन के इतने छोटे बच्चे भी गवाही का काम कर सकते हैं। ये बात हम सीखेंगे दूसरा सलातीन उसका 5:2-4 आए। दूसरा सलातीन उसका 5:2
पूरी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा इसका आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है, और अरामी दिलवान पर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करकर ले आए थे और वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। अच्छा, ये बच्ची वो थी इसराइल और नुमान की बीवी की खिदमत करती थी, और उसने अपनी बीवी से कहा कि काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है, तो उसे उसके कोष से शिफा दे। अभी की छोटी बच्ची को कैसे पता है कि वो नबी एलीशा नबी है, वो सामरिया में है, क्योंकि वो वहां से आई है, उसने वो सब कुछ देखा है। अगर हमारे बच्चे भी चर्च में आएंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे, इस चर्च में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, से आपके ईमान को मजबूती मिलती है। आप खुदा यीशु मसीह आज भी बच्चों को भी अपनी गवाही के लिए खड़ा कर सकते हैं, खुदा आज भी किसी को भी अपने जलाल के लिए खड़ा कर सकते हैं। तो हम इस बात से सीखेंगे कि किस तरह एक बच्ची की गवाही से फिर वो नुमान जाता है अलीशा के पास, और फिर जब उसको कहता है कि तू सात दफा होते लगा जा, तो वो नहाता, वो कम्बल बिल्कुल नया हो जाता है। और इस गवाही की जो सबसे बड़ी बात है, जब उसने शिफा पाई तो वो कहता है कि इसराइल का खुदावंद ही जिंदा खुदावंद है। एक बच्ची की गवाही से उसने इसराइल के खुदा को माना। तो इस तरह हमारी बच्चियां, छोटी बच्चियां अगर चर्च में आती हैं, अगर आप घर में अपने बच्चों को खुदा के कलाम से सीख करते हैं, तो ये सब बातें सिखाते हैं, तो छोटी बेटियां भी खुदा के नाम के लिए खड़ी हो सकती हैं, उसकी गवाही के लिए काम कर सकती हैं। और इसके लिए भी हम माँ बाप को भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के लिए, हम उन अपने बच्चों के लिए दुआ करें। माँ बाप की दुआ से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अगर हमारे बच्चों में कहीं हिकमत की कमी है, तो उससे मांगे कि खुदा अपनी हिकमत को उनकी जिंदगी में उंडेले, ताकि वो अपनी जिंदगी उसके हुक्मों के मुताबिक गुजारे। ये वक्त है कि हम अपने बच्चों की हर तरह की एक्टिविटीज का ध्यान रखें, अपने बच्चियों को अकेले बाहर किसी के साथ ना जाने दें। हम ध्यान रखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक है, सब कुछ है, ये सब चीजें जो है ना, वो कह रहे थे एक शैतान के हाथ में तैयार है, ये सब चीजें हमारे बच्चों को बर्बाद करती हैं। आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज का ध्यान रखें, आप ध्यान रखें आपके बच्चे टीवी पे फोन पे क्या कुछ देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखने की हम सबको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि खुदा का सुंदर कलाम है, इस कलाम को बोला करें, अपने बच्चों को इस कलाम को बोल कर पढ़ कर दिया करें, कलाम बोला करें कि खुदावंद उन्हें पढ़ कर दे, खुदावंद अपने चेहरे का नूर उन पर जलवा दे करे, खुदावंद उनका आना जाना मुबारक करे, खुदावंद उनकी कुमक करे। इसके बारे इस बात को एक गवाही से मैं शेयर करूंगी, मैंने इसको सुना, मेरा ईमान बहुत बढ़ा। खुदा के खातून थे, उनकी बेटी को सारे बदन के छाले थे, दाने थे, और वो खादिम पूरे 3 साल से अपनी बेटी के लिए दुआ करता, लगातार दुआ करता, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं। एक दिन खुदा उसको आसमान पे ले जाती है, और जब वो खुदा के जलाल में है तो वो डरा हुआ है, खौफ सदा है, लेकिन वहां पे खुदा की हजूरी है। तो खुदा उसको कहता है कि तू कब तक ये छाले, ये दर्द सहता रहेगा? वो डर जाता है, उसको था कि शायद खुदा मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करेगा, खुदा मुझे बरकत देगा। खुदा फिर उसको डांटता है कि तू कब तक ये छाले सहता रहेगा? खुदा कहती है कि तू उसको डांट, तू उसको जड़ से भाग, जिस तरह मैंने अंजीर के दरख्त को लानत की थी कि वो जड़ से उखड़ गया, इसी तरह तू इन छालों पर, तू इनको हुक्म दे, तू इनसे कलाम कर कि ये जड़ से उठे। तो मैंने इस बात से ये बात सीखी, जब वो वापिस आता है तो वो कहना ये कलाम बोलना शुरू कर देते हैं, वो बोलता रहता है, और बीच बीच में शैतान आता है, उसको गिल्ट देता है कि अभी भी नहीं ठीक हो रही, अभी भी नहीं ऐसे हो रहा। हाँ ना, हम दवाई हमें कह रहे ना डॉक्टर ने, ना दवाई खानी है, 2 महीने खानी है, हम उस दवाई पे पूरा ही मान रखेंगे, हम पूरा उसको टाइम से खाएंगे कि जब पूरी खाएंगे तो फिर ही आराम मिलेगा, लेकिन वो गिल्ट में नहीं गया, वो खुदा में मजबूत था। पूरे 40 दिन बाद वो देखता है, बैठा है, तो एक दिन लड़की की कमरे में से आवाज आती है, वो चीख रही होती है, तो वो कमरे में जाता है,
तो वो देखता है कि उसका पूरा बदल बिल्कुल नया हो गया, बिल्कुल नया, जैसे एक नए बच्चे का होता। तो खुदा की तहसीब हो, उसके नाम को जला रहे। हम भी अपनी जिंदगी में हम दुआएं करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम कलाम नहीं बोलते। खुदा के कलाम में लिखा है कि ये कलाम जो है जिंदा मुअस्सर है, ये असर करता है। जब हम इसको बोल देते हैं ना, जब हमारे मुंह में से ये निकल जाता है, तो मुमकिन है कि ये असर करेगा, ये बगैर तासीर कभी भी नहीं होगा। तो उसके कलाम पे हमें ईमान रखने की जरूरत है। इसीलिए जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने बच्चों को बरकत देखनी है, तो उसके कलाम को अपने बच्चों के लिए बोला करें और उस कलाम को बोल कर उस पर ईमान भी रखना करें। हमें उसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बेईमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका कलाम है, ये उसके मुंह के पास है। और जब हम कह देते हैं तो हमारे लिए वो चीज मुमकिन हो जाती है, वो पलट कर हमारी जिंदगी में वापिस आता है। अब हम बात करेंगे जो हमारी बेटियां जैसे अपने स्कूल में जाती हैं, जो बड़ी क्लासेस में चली जाती हैं, खुदा का कलाम से हम सीखेंगे कि हमें उनकी तरबियत किस तरह से इस दौर में करनी चाहिए। स्टेज में आके हम देखते हैं कि बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें अच्छी एजुकेशनल विजन की जरूरत है। हमारे बच्चों को एक हम उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस तरफ जाना है, किस राह को चुनना है, इस तौर पर हमें अपने बच्चों की अच्छे तरीके से भले तौर पर रहनुमाई करनी चाहिए। कोई भी बेटी है, कोई पास्टर बनना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, माँ बाप होते हुए और खासतौर पर माए होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी हर तौर पर रहनुमाई करें, उन्हें ऐसे वसाइल मुहैया करें, उन्हें हर तरह से सपोर्ट करें, और सबसे बढ़कर कि हम उनके लिए दुआ किया खुदा से मांगा उससे मांगा करें और उसकी मर्जी को मांगा करें। हम ये ना कहें कि खुदा मैं ऐसा चाहती हूँ तो मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदा हम ऐसा चाहते हैं, हम उससे मांगते हैं, लेकिन तू जो बेहतर जानता है हमारे बच्चों के लिए तू कर सकता है, हमारी बेटियों के लिए तू कर सकता है, जो इनके लिए बेहतर है, जो इनकी जिंदगी के लिए जरूरी है। फिर खुदा के कलाम ने लिखा है कि अपने बच्चों की तंबीह करने की भी हमें जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तू उसे अजाब से, मुसीबत से बचाएगा। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा उसी की तंबीह करता है जिसे वो प्यार करता है, खुदा उसी को डांटता है, उसी को कोड़े लगाता है। और आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों की तंबीह करें, जहाँ उन्हें सिखाने की, जहाँ डांटने की भी जरूरत है, उस तौर पर भी हमें अपनी बेटियों को सिखाने की, उनकी तरबियत करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम तंबीह नहीं करते तो खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि आप उस शहर की मालिक हैं जिसकी कोई फसील नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। फिर क्या होता है कि दूसरे आते हैं, फिर आप बेटे बढ़ते हैं, आप अटैक्स करते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के इर्द गिर्द अपनी बाउंड्रीज को रखें, ऐसी फसील, ऐसी उनकी तरबियत करें कि उस तरबियत से बाहर ही ना वो हुक्मों को, उन बातों को याद रखें कि हमारी माँ ने हमें ये सिखाया है, हमें ये बात बताई गई है, मैंने इस बात से मना होगा, मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी, मैंने इसके साथ जाना है, नहीं जाना, ये बात मैंने कैसे करनी है। और यही वक्त है, इसी स्टेज में हम अपने बेटियों को अच्छे बुरे की तमीज सिखा सकते हैं, उन्हें सच और झूठ की तमीज सिखा सकते हैं, उन्हें गलत और सही के बारे में बता सकते हैं, हम उन्हें ये बात बता सकते हैं कि किन कामों को, किन बातों को करना उनके लिए बरकत का बाइस है और किन कामों को करना उनके लिए बेबरती का बाइस हो सकता है, उनकी जिंदगी के लिए मुश्किल और परेशानी का बाइस हो सकता है। और अपने बच्चों की जो उनकी अच्छी बातें हैं, बच्चे अच्छे काम करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, तो हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उनकी तारीफ किया करें,
दूसरों के सामने भी अच्छा कमा रहे हैं। इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है और उन्हें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। और इस उम्र में खास तौर पर चाहिए हमें कि हम अपने बच्चों को ईमान की मजबूती दें, उन्हें ईमान में मजबूत होना चाहिए। ये ना हो कि दूसरे लोगों से गलत बातें सीख कर वो उनकी तरफ प्राप्त हो जाए, उनकी तरफ जाए, उनके मजहब की तरफ अट्रैक्ट हो। अपने बच्चियों के लिए अच्छे लिबास का इंतखाब करें, अपनी बेटियों को अच्छा लिबास करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि आपका लिबास हयादार होना चाहिए। आप ऐसा लिबास ना पहने कि दूसरे देखें तो आपको देखते ही रह जाए या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अपनी बच्चियों को हयादार लिबास पहनाएं। और अगर हम ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते, और अगर नहीं करते तो अपने बदन की बेहतरी खुद ही करते हैं। इसी एज में मैं आज एक खास टॉपिक पे फिर बात करूंगी कि बच्चियों को पीरियड्स भी शुरू। आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस बारे में हमें क्या सिखाता है। बहुत सारी मैंने इस बात को नहीं भी जानती थी कि हमें इस कंडीशन में, इस हालत में दुआ करनी चाहिए, दुआ रखना चाहिए, खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम अगर पुराने अहकामे में देखते हैं तो आबाद की किताब में उसके 15 बाब में इसके बारे में बहुत तफसील से लिखा गया है। आप इसे आप घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक औरत जो हैज की हालत में होती है, वो जितने दिन उसको ये रहती है वो नापाक है, ठीक है। उसके बाद जो उसको छुएगा वो नापाक होगा, जो जिस चीज पर वो बैठे वो कपड़ा वो जगह नापाक होगा। ना वो किसी चीज को छू सकती है, ना कहीं पे बैठ सकती है। जो मर्द उसे छुएगा वो भी नापाक हो जाएगा। और जब वो पाक होती है, जब वो नहाती धोती है, तो उसके बाद वो उसके लिए कफारा भी लिखा गया है। लेकिन ये तो होगी पुराने अहदनामे की बात। पुराने अहदनामे में इतनी ज्यादा एक औरत की बाउंड्रीज थी। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, इस बात को हम सीखेंगे आज। लुका की अंजील उसका 8 बाब है और उसके 45 आयत है। पुराने कलाम में ये लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी तरह उसका खून बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते हैं, तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है तो ही, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुवत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिर कर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम छुपा पा गई। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। आमीन। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है नए अहदनामे में, पहली बात कि वो औरत डर गई थी, क्योंकि इस हालत में औरत कहीं पे भी नहीं जा सकती। वो जिस जिस को छुएगी वहां के कानून के मुताबिक उस वक्त के वो नापाक हो, वो बेचारी डर गई थी। उसने वो चाहा कि मैं ना बताऊं, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे कुवत निकली है। हमारा खुदा क्या है? वो पाक है, पाकीज़ है। अगर वो औरत इतनी ही नापाक होती तो खुदा से कुवत नहीं निकलती।
ये सब खुदा की तरफ से है, खुदा ने एक निजाम औरत के जिस्म में ये बनाया है। तो जब वो औरत खुदा को छू सकती है तो हम उसकी हजूरी में क्यों नहीं आ सकते? हम 8 दिन 7 दिन हम क्यों खुदा से दूर रहते हैं? आज भी इब्लीस तो यही चाहता है कि हम उसके पास ना आए, हम अपनी बरकत से महरूम रहे, हम खुदा की हजूरी में ना आ सकें, उसकी गुस्ताइश भी ना कर सकें। लेकिन इस वाकिया से हम ये बात सीखते हैं, इस मौजे से हम ये बात सीखते हैं कि हम खुदा की हजूरी में इस हालत में भी आ सकते हैं। हमें अपनी जिस्मानी अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, पाक साफ होकर आए। बाकी जो एक निज़ाम उसकी ज़ात ने औरत के जिस्म में रखा है वो ऐसे ही चलेगा। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि हम खुदा का कलाम ना पढ़ें, हम रोजे ना रखें, हम प्रस्तिश ना करें, हम इबादत ना करें, हम चर्च ना आए। अगर वो ना पाक होती तो वो शिफा ना पाती, अगर वो ना पाक होती तो वो खुदा को छू नहीं सकती। ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि वो उसको छूती। तो हम इस बात से हम सीखते हैं, मैंने खुद इस बात को सीखा है, हमारे चर्च में जो मैंने है मैंने इनसे भी शेयर की है, मैंने इनसे भी सीखा है, खुदा के बहुत सारे आत्मों से सीखा है, सुना है कि हम इस हालत में खुदा की हजूरी में आ सकते हैं, वो कह सकते हैं। ये बात हमें अपनी बेटियों को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ डिवाइन है, जहाँ उसकी हजूरी है, वहाँ कोई भी बीमारी नहीं फैल सकती। क्योंकि जहाँ निजात दहिंदा है वहाँ बीमार नहीं है। जब खुदा मौजूद है तो फिर आप बीमार नहीं, हम इसको बीमारी नहीं कह सकते। और जहाँ उसका बेटा है वहाँ कोई गुनाह भी नहीं चल सकता। तो खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, उसने हमारा कफारा दीन लिया है। कफारे का मतलब है कि ढांप देना। पुराने अहदनामे में वो इस बात के लिए वो कफारा देते थे, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने हमें कफारा हमारा कफारा दे दिया है, उसने सलीब पर अपना खून हमारे लिए बहा दिया है, उसने हमारे गुनाहों को हमारी नापाकी को ढांप दिया है, तो हमें और किसी कफारे की जरूरत नहीं है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, चाहे किस हालत में भी है, तो हम उसके आगे झुक सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके उससे बरकत को भी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जवान बेटियों के बारे में, जिनकी उम्र शादी की हो जाती है, शादी से पहले जो हमारी बेटियां हैं उनको किस तरह का होना चाहिए, खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। आज मैं कुछ ऐसी बहनों का, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज का खुदा के कलाम में से ही आपके साथ उनको बयान करूंगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे और सही फैसले, और उन बहनों के बारे में बताऊंगी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत फैसले किए हैं और उनके गलत फैसलों की वजह से उनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनके खानदान तबाह हुए हैं, और जिन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, जो खुदा में रही हैं, खुदा में मजबूत हुई हैं, वो खुद भी बाबरकत हुई हैं और उनकी जिंदगियों से दूसरों ने भी बाबरकत हासिल की है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हम कई काम करते हैं, ढेरों काम करते हैं, खाना पकाना, घर के सारे काम करना, सफाई करना, कपड़े धोना, जो मैंने जॉब करती है वो अपनी जॉब्स पे जाती है, हम सब सोचती है हमने कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा काम नहीं करना, जो घर में है अपने बच्चों की तबीयत करती है, बच्चों के काम करती है, तो इन सारी बातों में चॉइस हमारे पास है। खुदा ने ये हमें ये बरकत दी है या उसका फजल है, ये हमारी मर्जी है, उसने हम पर छोड़ दी है कि हमने किस तरफ जाना है, हमने अपनी जिंदगी के लिए जो सही चॉइस है उसको चुनना है या गलत रास्ते पर चलना है, ये सारी बात हम पर है। क्योंकि इस हिस्से में हम देखते हैं कि जो हमारी बहनें हैं बेटियां हैं वो बिचोर हो जाती है, वो काबिल हो जाती है कि वो अगली नस्ल को पैदा करें, खातमों को पैदा करें, वो खुदा के मंसूब को पैदा करें। क्योंकि हमारी बेटियों के साथ हमारी बरकत चली है, हमारी खानदानी बरकत चली है, हमारे कलीसिया की बरकत चली है, हमारी कौम की बरकत चली है। तो एक बेटी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है, घर में, कलीसिया में, एक कौम में एक औरत का बहुत मुकाम है।
सबसे पहले देखेंगे लूका की अंजील इसका 10 बाब। उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत चीजों की फिक्र, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। हम इस बात से सीखते हैं ये बात कि दो बहने हैं, खिदमत दोनों ने ही करनी है, लेकिन ये उनकी चॉइस है, एक ही चॉइस है। उसने चुना है कि वो खुदा की हुजूरी में बैठी है, उसने कलाम को सुना। दूसरी खिदमत तो वो भी कर रही है, खाना बना रही है, खाना खिलाए, लेकिन एक जो है वो इस हालत में है कि वो तसल्ली में है, इत्मीनान में है, सुकून में है, और जो खुदा से दूर है, दुनियावी कामों में लगी है, वो बेचैन है। इन दोनों के किरदार से हम ये बात सीखते हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, जब हमारी जिंदगी में ये चॉइस हो कि हमने उसके कलाम को सुनना है, कि हमने दूसरे काम करने हैं, तो हमारे लिए भी जरूरी है। इस बात से हमें सीखना चाहिए कि जब उसने खुदा के कलाम को चुना है, खुदा की हुजूरी को चुना है, उसने इस बात को चुना है कि उसके कदमों में बैठे, उसकी बातों को सुनेगी, और खुद खुदा ने खुद कहा है कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। और तुम क्यों घबराती हो ऐ मार्था, तुम क्यों घबराती हो? क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर है, वो उसकी हुजूरी में है। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो हम ये तसल्ली पाते हैं, मनान पाते हैं, सुकून पाते हैं, उसकी हजूरी में रहकर हम बरकत हासिल करते हैं। लेकिन जैसे ही खुदा से दूर रहते हैं, अगर जो लोग उसकी हजूरी में नहीं आते या जो बहने उसकी हजूरी में नहीं बैठते, उनके लिए तसल्ली भी नहीं है, मनान भी नहीं है, वो मार्था की तरह घबराहट, बेचैनी और परेशानी का ही शिकार रहती है। कुछ और बहनों का जिक्र है खुदा के कलाम में। हिंदी की किताब उसके 27 बाब में 1-7 आयत में इनके बारे में बयान किया गया है। हिंदी की किताब उसके 27 बाब 1-7 आयत। हम इसे पढ़ेंगे नहीं, आप हिंदी इसको पढ़ सकती हैं। इसमें सलाफ हाद की बेटियों का जिक्र है। बनी इसराइल में ये 5 बहनें हैं, ये 5 बहनें हैं, इनका कोई भाई नहीं है और इनका बाप भी मर जाता है। अब उस वक्त में ये कानून नहीं था कि बेटियों को जायदाद में से हिस्सा दिया जाए, लेकिन ये बहनें जो हैं, ये मिलकर आपस में इत्तेहाद करके मूसा के पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि बेशक हमारे बाप ने गुनाह किया, वो बियाबान में मर गया, लेकिन हम चाहती हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बाप का नाम ना लिखे, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे बाप की जायदाद में से हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो मूसा नबी इस बात को नहीं जानते, उनको नहीं पता कि मैं इस मामले को कैसे निपटाऊं या इसका मैं क्या जवाब दूंगी। तो फिर वो खुदा की हुजूरी में जाता है, खुदा से पूछता है कि मैं क्या करूं। तो फिर खुदा उसे कहते हैं कि सलाफहाद की बेटियों को उनका हिस्सा दे। इनकी इस बात से हम लोग सीखते हैं 5 बहनों में इत्तेहाद है, उनमें प्यार और मोहब्बत है, उनकी नीयत खराब नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सारा हिस्सा ले लें, अपने बाप की सारी जायदाद हमारे पास आ गई, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हिस्सा मांगा है, लेकिन खुदा ने उनके इत्तेहाद को, उनकी नीयत को देखा, क्योंकि वो चाहती है, सिर्फ ये चाहती है कि हमारे बाप का नाम बनी इसराइल से ना मिटे। और वो फिर खुदा
उनके बाप की सारी जायदाद उनको, उससे कुछ उनको नहीं था। आज हमें भी जिंदगी के मोड़ पे कहीं ना कहीं हमारे सामने भी तरह तरह की मुश्किलें परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इन बेटियों की तरह हमें भी अपने लिए आवाज उठाने चाहिए। जहां आप राइट पे हैं, जहां आप खुदा के कलाम के मुताबिक है, चाहे और कोई कानून है या नहीं है, अगर आप हक पर है तो आज भी अपनी बेटियों की तबीयत इस तरह करनी चाहिए कि उन्हें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। और अगर आप हक पर रहकर आवाज उठाते हैं तो जिस तरह खुदा ने इन बेटियों की रहनुमाई की, खुदा ने इनके हक में फैसला किया, खुदा आज भी आपके हक में भी फैसला करेगा। हमारे खुदा का नाम आस्तर की किताब में, आस्तर जो है वो मर्दगी की चचाजात बहन, मर्दगी बायोलॉजिकली उसका बाप नहीं है, लेकिन मर्दगी ने शादी नहीं की, मर्दगी ने आस्तर को अपनी बेटी की तरह पाला। और जब वो बादशाह के महल में जाती है, जब वो बादशाह की मंजूर नजर बन जाती है, तो मर्दगी फिर भी उसका आते जाते ध्यान रखता है। मर्दगी एक बाप की तरह उसकी परवरिश करता है। महल तक चली भी जाती है तो वो फिर भी जा जाकर उसके बारे में पूछता है कि एस्तर ठीक है, लेकिन उसने एक बात के लिए उसको मना किया है कि तू अपनी कौम का, अपने खानदान के बारे में तुम्हें नहीं बताना कि तू इसराइल से है। और वो उसकी बात को ऐसे ही मानती है जैसे एक बेटी अपने बाप की बात को मानती है। आज हमारी बेटियों को सीखने की जरूरत है कि जहाँ हम उन्हें इन बातों को सिखा देते हैं, जो बात किसी के सामने करनी है नहीं करनी, उन बेटियों को मना होना चाहिए। अब जो आस्तर है वो मरता बच्चा और वो बादशाह की मंजूरे नजर में, लेकिन मर्दगी जो है जो आस्तर का हर तरह से ध्यान रखने वाला, लेकिन वो बादशाह के महल में तिपाही रहता है, उसके वो आस्तर को नहीं मिल सकता। और बादशाह के महल तिपाही ये है कि जो लोग भी आते जाते हैं, जो भी उसके वजीर है जैसे कि हमान है, वो उसका एक खास बंदा है और मर्दगी उसको सजदा नहीं करता। और हमान को ये बात बताई जाती है कि जो मर्दगी है वो इसराइली है, वो यहूदी है और वो तुझे तज़ीमन सजदा नहीं करता। और हमान जो होता है उसकी इस गलती की सजा उस अकेले के बजाय सारे यहूदियों को देना चाहता है। और वो कहता है कि बादशाह के पास जाता है, उसको बताता है कि ये इस तरह मुझे सजदा नहीं करता, ये यहूदी है, इनको कत्ल करो। तो ये सारी बात जब मर्दगी को पता चलती है, मर्दगी के जरिए भी ये बात आस्तर तक पहुंचती है, तो फिर एक बेटी अपनी कौम के लिए, अपने खानदान के लिए क्या करती है, ये बात हम सबके लिए सीखने के लिए जरूरी है। वो क्या करती है, वो उसको कहती है कि मैं भी 3 दिन का रोजा रखती हूँ और हमारी कौम के सब लोग 3 दिन रोजा रखे, खुदा के आगे झुके, उससे दुआ करें कि खुदावन अपने फसल को हमारे लिए जारी करेगा। और वो क्या करती है, वो ऐसे ही करती है। 3 दिन वो रोजा रखते हैं तो वो देखते हैं कि बादशाह सारे फैसले उसी के हाथ में कर देता है। वो कहता है कि जो तू कहेगी मैं वैसे करूँ, और फिर वैसे ही होता है। जो सलीब उसने मर्दगी के लिए हमारे लिए तैयार करवाई है वो खुद उसी पर लटका रहता है। एक बेटी की आवाज से, एक बेटी ने बेशक को मलका के मुकाबले अपने मुकाम का अच्छा इस्तेमाल, कि उसके पास चॉइस वो चाहती तो कहती मैं तो आराम सुकून से रह सकती हूँ, लेकिन उसने एक अच्छी बात को छोड़ी, उसने अपनी कौम को भी बचाया, उसने अपने लोगों को भी बचाया। और जो फैसला भी उसने कर दिया वो पूरी यहूदियों के लिए होता है, और इस तरह सारी कौम की सब को भी देखी जाती है। आज हमारी जिंदगी में भी यही कोई मुश्किल है, परेशानी है, हमें भी जरूरत है रोजे रखिए, दुआ करिए, खुदा की हुजूरी में है, खुदा हमें भी आजादी रिहाई देगा, निजात देगा, वो आज भी निजात देता है। फिर एक और बहन का खुदा के कलाम में जिक्र है, मूसा की बहन मरियम। उसका किरदार निश्चित बहुत थोड़ा सा बाइबल के बारे में उसका बयान है, लेकिन उसने बहुत खास काम अपने भाई के लिए किया है।
जब फिरौन ये कह देता है कि जितने भी लड़के बनी इसराइल में पैदा होते हैं उन सबको मारा जाएगा, तो जब मूसा पैदा होता है तो उसकी माँ ऐसा नहीं बोलती, तो तीन माह तक तो उसको संभालती है, उसकी परवरिश करती है, लेकिन वो जब ज्यादा नहीं उसको पाल सकती, जब वो ज्यादा उसको नहीं छुपा सकती, तो वो क्या करती है, वो एक टोकरा बनाती है, तो उसको वो दरिया के किनारे छोड़ आती है। लेकिन जो उसकी बहन है वो वहां पर ध्यान रखती है, वो सब देख रही होती है कि जब फिरौन की बेटी आती है तो वो उसको उठाकर ले जाती है, जब वो उसको ले जाती है तो वो उसको कहती है कि मैं इस बच्चे के लिए एक माँ को लेके आती हूँ जो इसको दूध पिलाया है। तो ये एक बहन का किरदार है, एक बहन की अपने भाई के लिए फिक्र है, और जब वो जाती है तो वो अपनी माँ को उसके पास भेज देती है, और इसी तरह मूसा अपनी माँ को दूध पीकर पलता है, पलता है और वो आगे बढ़ता है। इसी तरह एक और बहन है रसूलों के अमाल में, उसके 16 बाब में हम देखेंगे, उसके 16 खोला ताकि पालूस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, बस उसने हमें मजबूर किया। ये एक ऐसी बहन है जिसने खुदा के कलाम को सुना है, उसने ना सिर्फ सुना है बल्कि वो कलाम उसने अपने खानदान की निजात के लिए भी चुन लिया है। जब वो ये कलाम सुनती है तो वो अपने खानदान की निजात का भी बाइस बनती है। आज हम भी खुदा के घर में आते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन हम अपने खानदान के साथ हम शेयर नहीं करते। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो अकेली यहाँ पे रहती हैं या भाइयाँ अकेले रहती हैं, हम सब पे ये है, हमें सीखने की जरूरत है कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, उसके भेदों को सुनते हैं, उसकी निजात की बातों को सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि वो कलाम अपने खानदान के लिए भी शेयर करें, अपने खानदान के लोगों के साथ शेयर करें कि वो कलाम हमारे खानदान की निजात का फायस करें। फिर एक और बेटी का खुदा के कलाम में जिक्र है, मत्ती की अंजील उसका 14 बाब 2-10 है। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब देखते हैं कि हेरोदेस बादशाह है और उसने अपने भाई की बीवी को लिया होगा, हेरोदियास को अपनी बीवी बनाया। जब यूहन्ना इस्तबागी इस बात को जब उनको वो देखता है तो उसे कहता है कि तुझे रवा नहीं है कि तू अपनी भाई की बीवी को रखा। इसमें से जो बात हमें सीखने के लिए हमारे लिए है कि वो अपनी जनाकारी को छुपाने के लिए वो यूहन्ना की दुश्मन बन जाता है, और जब उसकी बेटी हेरोदियास की बेटी एक महफिल में नाचती है तो उसकी माँ उसे सिखाती है कि जब बादशाह तुझसे पूछे कि तुझे तोहफे में इनाम में क्या चाहिए तो तुम उसको ऐसे कर। अब जब वो नाचती है महफिल में तो हेरोदियास उसे कहता है कि तू जो भी मुझसे मांगेगी तो मैं तुझे दूंगा। अब उसकी माँ ने उसे गलत ट्रीट किया है, उसकी माँ ने उसे गलत सिखाया। यूहन्ना खुदा का मासूम है, लेकिन उसके गलत तरबियत ने, उसके गलत सिखाने ने वो अपने बाप को कहती है, वो बादशाह को कहती है कि मुझे यूहन्ना इस्तबागी का सर फाड़ के चाहिए। अब बादशाह परेशान तो होता है अपनी ग्रुप में, लेकिन वो क्या करेगा, उसने वादा कर दिया दूसरे लोगों के सामने, महफिल में इतने लोग हैं तो वो उसकी बात को पूरा करता है। अब खुदा का कलाम हमें ये चॉइस देता है कि हमने अपनी बेटियों को किस तरह की फीडबैक, उनको क्या गिजा दी है, क्या उन्हें हमने उनको
या हमने उनको इस दुनिया की चीजों के पीछे भागना है, या हम अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, ये बेटियों को गलत का नहीं दे। अब आज भी अगर हम देखते हैं तो इस बहन को, इतिहास को और इसकी बेटी को गलत अल्फाज में ही याद किया। ये हमारी चॉइस है, चॉइस हम में है कि हमें कोई अच्छे लफ्जों में याद करें कि हमें कोई बुरे लफ्जों में याद करें। हमने अच्छाई को अपनाना है या बुराई को अपनाना है, हमने अपने लिए अच्छा रास्ता चुनना है या हमने अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब करना है। फिर इस बात से हम ये बात भी सीखते हैं कि हमारी बेटियों को नाचना नहीं चाहिए। आज भी कुछ बेटियां ऐसी हैं जो हम महफिल में नाचती हैं, या खुदा का कलाम हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात से सीख सकते हैं, हम टिकटॉक वीडियोज बना देते हैं, हम बीपीस लगा देते हैं, हम स्टेटस लगा देते हैं, हमें अपनी बेटियों की ऐसी वीडियोज को नहीं बनाना चाहिए। खुदा का कलाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। शैतान आज भी हमारे खानदानों में हमारी बेटियों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। हम ऐसी वीडियोस और ऐसे काम बिल्कुल ना करें जो उसकी तालीम के खिलाफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना तो खुदा के कलाम के मुताबिक ही तालीम दे रहा है। वो तो उसकी पत्रकारी को मना करना चाह रहा था, लेकिन उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने गलत रास्ता अख्तियार किया। हालांकि उसके पास तौबा का रास्ता था, वो अपने गुनाह से पीछे भी हट सकते थे, खुदा से माफी भी मांग सकते थे, लेकिन गुनाह जो है उन्होंने अक्सर आज हमारी जिंदगियों को भी अपनी तरफ ही लेकर जा रहे हैं। एक और बेटी का जिक्र है खुदा के कलाम में, पैदाइश का 34 बाप है और इसकी एक आदमी लड़के लड़की की बात थी। इस बात की वजह से
वो उस बुजुर्ग को बुलाने का था। और बाद में वो और बातें बना रहे थे, इन्होंने हमारे मजहब पे तोहमत लगाई थी, इन्होंने ऐसे किया। जब हमें पता है खुदा ने हमारे लिए एक हदूद को मुकर किया है, उसके कलाम ने हमें क्राइटेरिया दिया है, जो हदूद खुदा ने हमारे लिए मुकर की है, हमें उन हदूद में ही रहना चाहिए। जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो फिर तबाही, बेइज्जती, बेहुर्मती ही हमारे हमारी बेटियों को आज इस बात को सीखने की बहुत जरूरत है। चाहे आप कहीं अकेले भी रहते हैं, आप कहीं हॉस्टल में भी रहते हैं, तो उन्हें अपनी इज्जत का, इसके तकद्दस का ख्याल होना चाहिए। हमारी बेटियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह होनी चाहिए, कोने के सिरे के पत्थरों की तरह, उतराशी हुए पत्थरों की तरह होनी चाहिए। वो इतना उन्हें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है कि हम खुद अपने कौम की, अपने मजहब की बेहरमती करें, हम खुद दूसरों को मौका दें कि कोई हमें बुरा कहे। बेशक लोग आपके सामने आपको बुरा नहीं कहते, आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आपके सामने आपको बुरा नहीं भी कहेंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी बुरा नहीं कहेंगे, ये अच्छी व्यक्ति नहीं है, ये अच्छा लड़का नहीं है। अपने खुदा के कलाम में लिखा है, खूबसूरत आयत है, दूसरा करिन्थियों उसके 6 बाब में, सेवा की 14 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा करिन्थियों उसका 6:14 आयत में, बेईमानों के साथ ना वार जुए में ना जुए, क्योंकि रास्तबाजी और दुर्दीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शर्क है। अब खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि ना वार जुए में मत जुए, ये ऐसा जुआ है जिसमें हमें जाने की खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता। वो नहीं कहता कि रोशनी का तरीकी के साथ क्या ताल्लुक है, बेईमानों का ईमानदार के साथ क्या ताल्लुक है। आप जब भी अपने लिए किसी अपने जीवन साथी का इंतखाब करते हैं तो आपको ईमानदार लोग चुनने चाहिए, क्योंकि अगर वो खुदा में मजबूत होंगे, आपका साथी खुदा में मजबूत है, तो आपकी जिंदगी बाबरकत है। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया का गम मौत पैदा करता है, क्योंकि ये दुनिया की ख्वाहिश है, ये दुनिया की ख्वाहिश है, और ये हमारे लिए दुख और गम का बाइस है। और जो कुछ भी हो रहा है, हम सब कुछ देखते हैं कि हमारी बेटियां बेरारवी का शिकार हो रही है, हमारी बेटियां अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही है, दूसरे लोगों के साथ, लड़कों के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, हमारे बेटे भी ऐसे कर रहे हैं, इवन कि अनमैरिड लड़कियां मैरिड लोगों के साथ ताल्लुकात बना रही है। खुदा का कलाम इसकी हमें इजाजत नहीं देता। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे हदियों को कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कबूल नहीं करूंगा। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा ने खुदा के कलाम के मुताबिक जो हमारे हदूद मुकर्रर की गई है, हमें उनके अंदर ही रहने की जरूरत है। और ये जो मोहब्बत है, हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि जो हम ये मोहब्बत कर रहे हैं, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है भी कि नहीं। इसलिए कि जब कलाम हम सीखेंगे, हम जानेंगे, तो फिर हम अपने बच्चियों को सिखाएंगे, और जब कलाम उनके अंदर होगा तो वो गुमराह नहीं होगा, वो कल इसी कदम पर भी नहीं लड़ाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि 4 किस्म की मोहब्बत है खुदा के कलाम में। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। पहली मोहब्बत, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले कर दिया था, कि खुदा अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत है। ये कौन सी मोहब्बत है? इसको हम कहते हैं अगापे इलाही मोहब्बत, जो मोहब्बत हम खुदा से करते हैं, जिसका हुक्म नए अहदनामे में भी है, पुराने अहदनामे में भी है। उसके बाद ऐसी दूसरी मोहब्बत है जो वो फिली है, ये ऐसी मोहब्बत है जो हमें अपने दोस्तों से है, अपने बहन भाइयों से है, हमें अपने माँ बाप से है, और इस मोहब्बत की इजाजत भी खुदा का कलाम देता है। इसके हवाले अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सैमुएल की पहली किताब, उसमें उसका 18 बाब है, उसमें लिखा है कि साउल जो का जो बेटा है यूनातन, उसका दिल दाऊद से
लग गया, यानी कि उसे दाऊद से मोहब्बत हो गई। इस तरह पहला पत्रस उसका पहला बाप और उसकी 22 आयत में भी इस मोहब्बत का जिक्र है। पहला पत्रस उसका पहला बाप और उसकी 22 आयत में क्योंकि तुमने अपना किताबेदारी में अपने दिलों को पाक किया, जिस तरह से भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसीलिए दिलोजान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। तो बहन भाइयों से मोहब्बत का जिक्र हमें खुदा के कलाम से मिलता है। एक और मोहब्बत है जिसका जिक्र है, वो है स्ट्रॉबेरी। ये वो मोहब्बत है जो मियां बीवी में होती है, ये वो मोहब्बत है जो एक अहद में बनकर होती है, ये वो मोहब्बत है जो पाक है, जिसकी इजाजत खुदा के कलाम ने खुद हमें दी है। और इसकी हम देखेंगे मिसाल उसका 5 बाब, उससे लिखा है कि तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहे। ठीक है, खुदा का कलाम हमें खुद इस चीज की, इस मोहब्बत की इजाजत देता है। ये सारी मोहब्बत जो है वो पाप है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत भी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक भी नहीं है और जो हमें ना पाप करती है, वो है एरोस। ये वही मोहब्बत है जो आजकल के दौर में हर किसी को हो। ये वो मोहब्बत है जो एक को छोड़ के फिर दूसरे से होगी, फिर वो नहीं अच्छा लगा, फिर तीसरे से होगी। खुदा का कलाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। ऐसी मोहब्बत हमें ना पाप करती है, ऐसी मोहब्बत हमें अपने माँ बाप की ताबेदारी से रोकती है, ऐसी मोहब्बत हमें ना फरमानी सिखाती है, खुदा की भी हमारे माँ बाप की भी। और इस तरह हम अपने कलाम को, अपने खुदा को भी पीछे करते हैं और अपने खानदान वालों के लिए भी बेइज्जती का बाइस होते हैं। इसके लिए एक मिसाल हम देखेंगे समसून और तेलला। समसून जो है वो खुदा का नज़ीर है, खुदा का ममसू है, लेकिन उसको एक गैर कौम से मोहब्बत हो जाती है। गैर कौम की लड़की पे उसका दिल आ जाता है। और वो लड़की क्या है, वो खूबसूरत है, वो अपने हुस्न से उसको लुभाती है। और आजकल भी तो ऐसी ही मोहब्बत है, जो दो दिन की मोहब्बत है, जो जिस्मानी मोहब्बत है, और ऐसी मोहब्बत है जिसकी बुनियाद ही किसी लालच पे है। ऐसी मोहब्बत है जिसके पीछे हमने कोई ना कोई अपना मफाद रखा होगा। अब वो एंड में क्या करती है, वो उसके भेद ले लेकर वो फलस्तीनियों को बताती है। और आखिर में वो क्या हो जाता है, फलस्ती आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसकी आंखें निकाल दी। हमें आज हमारी बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को ऐसी मोहब्बत से बचने की जरूरत है। खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 15 आयत में लिखा है, ना दुनिया और उसकी ख्वाहिश, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मसीह पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। तो आज हमें जरूरत है कि हम खुदा की मर्जी पर चलें। अगर हम उसकी मर्जी पर नहीं चलते, अगर हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, तो एक दिन हम मिट जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जिनकी जिंदगियों में आज भी उसका कलाम है, जिनकी जिंदगियों में आज भी उसके कलाम के भेद हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, तो वो हमेशा तक कायम रहती है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। एक और खूबसूरत आयत हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में, और खुदा के मकदस को भूतों से क्या मुनासिबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा, वो मेरी उम्मत होगी। आमीन। ये बात
जो आज बहुत हम सबको सीखने की जरूरत है, और खास तौर पर हमारी बेटियों को, जो जवान है, बहने, उन सबको सीखने की जरूरत है कि खुदा कहता है कि तुम मेरा मकदस हो, तुम मेरा बस करो, मेरा रूह तुम में बसा हुआ। आज खुदा हमसे नाराज है, उसका रूह हमें बसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रूह पाप है, और हम क्या है? हम ना पाप है, क्योंकि हम जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, हम अपने जिस्म में रहते हैं, हम इस जिस्म के बारे में सोचते हैं, और अगर और ज्यादा सोच लेंगे तो दूसरों के बारे में, दूसरे के जिस्म के बारे में सोच लेंगे, इसने कपड़े कैसे पहने, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे खा रही है, क्योंकि हम बस ये देखते रहते हैं, हम यही बातों पर रहते हैं, हम अपने जिस्म से। जो जैसे हम अगर देखें तो पुराने अहदनामे में जो है, जो एक खुदा का घर बनाया गया था, ठहरना इज्तिमा, एक उसका बाहरी मुकाम था, और एक अंदर जाके पात्री मुकाम था, जहाँ पर खुदा की हजूरी है, जहाँ पे खुदा खुद हाजिर है। अब आप समझ लें कि जो बाहरी पोर्टर है वो आपका बॉडी है, हमारा जिस्म। हम सारी उम्र मोस्टली क्रिश्चियंस लोग जो है मोस्टली इसी पोर्टर ही से मिले हैं, क्योंकि हम जस्ट अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं, हम यही सोचते हैं हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, क्या काम करने हैं, हम अपनी रूह के बारे में सोचते ही नहीं है, हम उस पात्री मुकाम तक जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रखते, हम इस मकदस का ध्यान ही नहीं रखते, हम ना इसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर आप पाक साफ रहेंगे तो खुदा की हुजूरी होगी ना। अब मैं आज लोगों से पूछती हूँ, अगर एक बर्तन गंदा है, गंदे बर्तन में आप धूप डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो इसी तरह खुदा का रूह उस मस्कर में नहीं आ सकता जो ना पाक है, जिसमें गंदगी है। तो फिर क्या लिखा है कि जो दुनिया की ख्वाहिशात है वो गम लेकर, और गम हमें मौत की तरफ ले जाता है, गम हमें खत्म कर देता है, लेकिन जो खुदा में टाई रहते हैं हमेशा जिंदा है। आज हम सबको ये बात सीखने की जरूरत है कि जो हमारा मकदस है उसको पाक। अगर आप पाप होंगे, अब इसको हम ना पाप कैसे करते हैं? हम इसको झूठ से, फरेब से, गलत बातों से, बदी से, बुराई से, दूसरों के लिए बुरा सोच के, हरामकारी से, जिनाकारी से, मतलब हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गुनाह हम सबकी जिंदगी में पाया जाता है, हम कहीं ना कहीं सब ऐसा ही करते हैं। तो इन सब बातों को आज हमें सीखने की जरूरत है कि हम जिंदा खुदा का मस्कर है, ये मकदस है उसका, उसका रूह इसमें बसना चाहिए। मेरी दुआ है, मेरा ईमान है, आज जब हम इस कलाम को सीख रहे हैं, हम इसको समझें, हम इसको कबूल करें, हम अपनी जिंदगियों को ऐसे बनाएं कि वो हमारा वो मकदस हो, उसका रूह हमें बसे। जब उसकी रूह हमारी रूह को पाक देखे, वो देखेगी कि हम अंदर से पाक थे, तो वो जरूर नहीं है। क्योंकि उसने कहा है कि जो बातें आपके मुँह से निकलती हैं वो ही आपको ना पाप करती है, जो हमारे अंदर से निकलता है, जो बदी है, झूठ है, फरेब है, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हसद है, फरेब है, चोरी, जिस तरह की भी बुराइयाँ हमें पाई जाती है, वो हमें ना पाप करती है, और खुदा नापाकी को पसंद नहीं करता। खुदा कहीं कभी भी वहीं पे नहीं ठहर सकता। तो नबी कहता है कि मैंने तेरे कवानीन को, तेरे आईन को अपने दिल में रख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब दिल पाक है, जब मस्कन पाक है, तो मेरा गुनाह नहीं है। फिर हम दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे या उस लालच के पीछे नहीं भागेंगे, उस दुनियावी मोहब्बत के पीछे नहीं भागेंगे, उन गैर अक्वाम के साथ हम ताल्लुक नहीं बनाएंगे जो हमें सिर्फ गुमराह करते हैं, जो हमें बदी की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमें तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। आज उन तमाम बहनों से जो इस कलाम को सुने, समझे, वो इस बात को जाने कि खुदा के मकदस को हमने नापाक नहीं करना, इस मकदस को हमने अलूदा नहीं करना, इस मकदस को हमने पाक करना है, हमें अपनी हर तरह से अपनी सफाई रखनी है, अपनी अंदरूनी बैरूनी हर तरह से इस मकदस को हर वक्त हमें पाक रखने की जरूरत है। मोहब्बतों का जिक्र किया है, ये सारी दुनियावी मोहब्बतें हैं,
ठीक है, लेकिन कोई भी मोहब्बत हो कलवरी की दास्तान से बनी है। आज दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतों का जिक्र है, जैसे रोमियो जूलियट है, सस्ती होगा, ये दुनिया में हो, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो है वो कलवरी की दास्तान, जो मोहब्बत उसने हमसे की है वो किसी ने नहीं, जो खुदा बाप ने हम लोगों से की है। आप में से कोई भी अपनी औलाद को दे सकता है किसी को, उसने अपने इकलौते बच्चे को दिया है, उसने उसका लहू बहाया है, उसने हमारा कफारा दिया। हम कभी भी अपनी औलाद को किसी के लिए नहीं दे सकते, लेकिन आज हमें ये जानने की जरूरत है कि उसने अपने बेटे से बढ़कर हमसे मांगा, उसने उसको कुर्बान कर दिया है हमारे लिए, तो हम इस मकदस को क्यों नकाब करते हैं, हम इस मकदस की पाकी का क्यों ध्यान रखते हैं, हम क्यों गुमराह हो जाते हैं, हम क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आज क्यों मीडिया हमें बर्बाद कर रहा है, हम क्यों ऐसे दोस्त बनाते हैं अपनी, हमारी बिरचियाँ ऐसी दोस्त बनाती हैं, ऐसी कंपनी से बैठती हैं जो उन्हें बर्बाद कर रही है। आज ये कलाम उनपे चोट करे, उन दिलों को बदले, तो उस बात को जाने कि ये मकदस खुदावंद है, उसने इसके लिए अपना फितिया दिया है, उसने अपना कफारा दिया है, उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम कीमत से खरीदे हो, तो जब हम खरीदे गए हैं तो हम खुद के नहीं है, हम खुद के नहीं है, हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। जब हमारा ताल्लुक मसीह के साथ है तो हम इस ताल्लुक को कैसे बदनाम कर सकते हैं, हम दूसरों को क्यों मौका दें कि वो ये कहे कि ये मसीही बेटी है, ये मसीही कौन से ताल्लुक रखती है, ये ऐसी हरकतें करती है, ये गलत ताल्लुक बनाती है, ये इधर बोलती है, ये झूठ बोलती है, क्यों, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो मसीह से है, तो फिर हम उसको बदनाम करते हैं। तो आज हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये खुदा का मकदस है, आज ही से इस बात को जाने समझे कि जो हमारी बॉडी है वो हमारी नहीं है, सो हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम अपने जिस्म से उसके नाम को जलाएं। सो आज आप सब इस बात को कहिए मेरे साथ, बोले Honor your God with your body. Honor your God with your body. अपने खुदा की ताज़ीन करें, इस मकदस से उसके नाम को जलाएं, कि दूसरे जाने कि ये मसीही बेटी है, ये मसीही बहनें हैं, ये मसीही माँ है, इसका ऐसा किरदार है, ये मसीही बुजुर्ग है। हम मज़ीद आगे फिर इस बात को सीखेंगे, फिर खुदा के कलाम में ऐसी और भी बहुत सारी बेटियों का जिक्र है जिन्होंने गुनाह किया है और खुदा ने उन्हें सजा भी दी है, जैसे हम यसाया 16 बाब, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, 16 बाब 2 बाब की 16 आयत में है कि मोआब की बेटियों ने गुनाह किया और उनको सजा मिली, सेओन की बेटियां मुतकब्बर हैं, और खुदा कहता है कि जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा कहता है कि मैं उनके सर गंजे कर दूंगा और उनको बेपर्दा कर दूंगा। जब हम गुनाह करते हैं, चाहे आज भी करते हैं, तो फिर खुदा हमें सजा देता है, फिर हम सजा के हकदार हैं, फिर कोई भी हमें चाहे बेपर्दा करे उसमें खुदा की मर्जी है, वो चाहता है कि बेपर्दा, क्योंकि हम उसको छोड़ देते हैं, हम इस मकदस में दूसरों को इजाजत देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को इजाजत देते हैं, हम शैतान को इस मकदस में आने की इजाजत देते हैं। इस तरह होशिया उसके 4:14 आयत में भी है कि इसराइल की बेटियों ने खुदा की पनाह को छोड़कर बदी की, इसलिए मैं उनको सजा दूंगा, मैं उनको रद्द कर दूंगा। जहां जहां भी बेटियों ने गुनाह किया है खुदा ने सजा दी। आज कि इस कलाम से हम सीखते हैं हमारी बेटियों के लिए, जो खास कलाम है, जो जवान बेटियां हैं, कि ये चॉइस उनके पास है कि उन्होंने खुदा के कलाम को इस मकदस में जगह देनी है, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है, कि जिन बेटियों का जिक्र है दीना की तरह या इसराइल की बेटी है मोआब की बेटियों की तरह, हम वक्ती तौर पर तो उस सिचुएशन में उन हालात को हम इंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में हमारे लिए तो इसलिए हमारे पास चॉइस है। खुदा ने हमें ये फैसला करने का हक दिया है कि हम सही का इंतखाब करें या गलत, सही चुन के बाबरकत ठहरे या गलत चुन कर बेबरकती, बरकती अपने खानदान में भी लेकर आए और क्या खुदा हम सबको बरकत दे। अभी हम देखते हैं आप जैसे किसी ने पानी पिया, शुक्र हो आप सबको शेयर खुदा की मजबूरी में उसके कलाम की बातों को सीख रहे हैं, और मेरा ईमान है
कि कुरान इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को जहाँ जहाँ पे हमें बदलने की जरूरत है खुदा बड़ा काम करे। और आज हम इस घर से अपने लिए नई बरकत लेकर जाए, घराने के लिए बरसात लेकर जाए। तो पहले सेशन में मैंने इस बात को बयान किया कि कैसे छोटी बेटियों की टीन एज है, फिर जवान बेटी है, उनकी तबीयत कैसे करनी चाहिए। बहुत सारी बातों को सीखा, बहुत सारे खुदा के कलाम से किरदार हैं जो उनको मैंने डिस्कस किया है। अब इस सेशन में एक औरत जो है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो एक बीवी बनती है, फिर उसका किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा खुदा एक बीवी से क्या डिमांड करता है, या खुदा का कलाम कैसे हमारी तबीयत करता है कि एक बीवी को, एक अच्छी बीवी को किस तरह होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि शादी के लिए हमें दगाए पैदाइश में ही मिल जाती है। जब खुदा ने हवा को बनाया और खुदा ने वो बीवी उसे दी और खुदा ने उसे कहा कि तुम एक तन होगी, इसीलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा और उससे जुदा नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात है। और दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बना है वो मियां बीवी का, बस। और इसी वजह से एक बीवी को एक खानदान में बहुत अहमियत हासिल है। फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, खुदा ने उसे बीवी दी, फिर आगे खानदान बने। फिर हम देखते हैं कि पहला करंथियों उसके 4:2 में इस बारे में क्या लिखा है। पहला करंथियों का 1:2 लेकिन हराम कारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें गलत रिश्तों में, गलत तालुकात में, नजायज तालुकात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें गलत रास्ते को नहीं अपनाना, हमें हरामकारी की तरफ नहीं जाना। हमारे लिए अच्छा है, औरत के लिए अच्छा है कि वो अपने शोहर से रहे, के साथ रहे। बीवी के लिए अच्छा है और शोहर के लिए क्या अच्छा है कि वो अपनी बीवी के साथ रहे। खुदा नहीं चाहता कि गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाए जाए। जो अहद, जो निकाह है, ये एक कॉवेनेंट है, ये खुदा का अहद है। और जो खुदा में होकर हम मियां बीवी एक दूसरे के साथ अहद करते हैं कि हम इस ताल्लुक को निभाएंगे। और ये अहद जो है ये खुदा ने दिया है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक है कि वो मोहब्बत है जो नापाक नहीं है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। फिर अबरानियों 13:4 उसकी 4 में लिखा है कि निकाह करना, ब्याह करना इज्जत की बात है। और इज्जत लफ्ज जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, इज्जत की बहुत इम्पोर्टेंट है। निकाह करने से हमें क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि इज्जत की बात है। और अगर निकाह किए बगैर हम ताल्लुकात बनाते हैं तो वो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए बेइज्जती है, हमारे लिए जिल्लत है, हमारे लिए लानत का सबब है। तो जब खुदा ने एक अच्छा पाक रिश्ता, एक पाक मोहब्बत रखी है, तो उसके लिए एक अच्छे और ईमानदार शख्स का इंतखाब करें अपने लिए, जो ईमान में मजबूत हो, जो खुदा को जानता हो, जो उसके हुक्मों के से वाकिफ हो। क्योंकि लिखा है बगैर निकाह के, लिखा है कि खुदा हरामकारों की अदालत करेगा। फिर जब हम इस आयत को आगे पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि खुदा हरामकारों की अदालत करेगा। जो गलत ताल्लुकात में है वो अदालत में जाएंगे, खुदा उसे पूछेगा, खुदा उनका हिसाब लेगा। आप चाहते हैं कि खुदा आपका हिसाब ले, खुदा आपके लिए अदालत करे, उसकी अदालत में तो हम ठहर नहीं सकते। तो अपने लिए अच्छे ताल्लुक को बनाएं। और जब आप इस निकाह में बन जाती हैं तो फिर आपके वाजिब है कि आप ता हयात उस अहद में कायम रहे। मलाकी इसके 2 में लिखा है कि खुदा ने क्या एक ही रूह आपके लिए पैदा नहीं की, उसके बाद उसके पास और भी बहुत सारी रूहें थी, खुदा 2-3 भी आपके लिए पैदा कर सकता था।
लेकिन एक मर्द के लिए एक ही औरत, एक शोहर के लिए एक ही बीवी। जब खुदा ने एक कह दिया है फिर उससे आगे हमारे लिए हमें आजकल शादीशुदा लोग भी एक्स्ट्रा रिलेशंस भी हैं, कि खुदा का कलाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, हत्ता कि अपनी बीवियों को छोड़ रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। यही बात मलाकी दो बात में ये भी लिखा है कि खुदा इसराइल का खुदा तलाक से बेजार है, खुदा को इस लफ्ज से कराहत है, खुदा को इस लफ्ज से नफरत है, खुदा इस लफ्ज को नहीं पसंद करता। जहां भी हम खुदा के कलाम में सीखते हैं खुदा के खातिमीन है, खुदा ने उनके लिए भी कहा है कि एक खादिम के लिए एक ही बीवी है, एक शोहर के लिए एक ही औरत है, एक रूह के लिए एक ही रूह उसने बना दी। तो जब जो लोग इसके हुक्म के इस अहद के खिलाफ जाते हैं वो खुदा के हुक्मों को कमाल करते हैं, वो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मजहब में औरत को डबल प्रोटेक्शन दी गई है, ना कि और मजाहिब की तरह इजाजत दी गई है कि एक मर्द चार चार शादियां कर ले। एक औरत कभी भी नहीं, हम कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि एक मर्द चार चार बीवियां रखे और औरतों के साथ ताल्लुकात रखे। तो खुदा के कलाम ने हमें प्रोटेक्शन दी है, ना तो कोई हम पे जुल्म सितम कर सकता है, ना हमें मारा पीटा जा सकता है, ना ही खुदा के कलाम के मुताबिक तलाक दी जा सकती है, ना दी जा सकती है। एक ही रूह पैदा की गई है, एक ही रूह के साथ वफादारी के साथ इस अहद को निभाना। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आपके शोहर का चाल चलन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एक औरत का किरदार अच्छा है, एक औरत अगर मसीह में मजबूत है, अगर वो दुआ को है, तो वो अपने अच्छे चाल चलन से उसको भी बदल सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने खुद देखा है ऐसे, मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, अपनी बुजुर्ग औरतों को भी मैंने देखा है कि जिनके हस्बैंड नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन वो खुदा के साथ उन्होंने इतना दिल लगाया है, उन्होंने इतनी खुदा की हजूरी में वो गिड़गिड़ाई है कि उनके आंसुओं को खुदा ने याद भी किया है, खुदा ने उनके शोहरों को बदला भी है, जो नशा करते थे वो ठीक राह पे आए हैं, जो और तरह तरह की बुराइयों में थे खुदा ने उनको बेहतर किया, अच्छा बनाया। जब आप अच्छे हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने शोहर के लिए एक बीवी जब दुआ करती है तो खुदा उसको वापस सुनता है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छी बीवी की में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छी औरत की क्या खूबियां हैं, जो औरत घर में रहती है उसको खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह होनी चाहिए। इसलिए हम देखेंगे इंसान 31 बार की 10 आयत से। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि जिसको बीवी मिली है उसको क्या मिला है, तोहफा मिला है। तो बीवी जिनके पास है उनको तो खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, क्योंकि मालो दौलत और जो विरासत है वो बाप दादा से मिली है, वो तो आपके खानदान से आपको मिल गई है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छी बीवी खुदा की तरफ से एक गिफ्ट कराएगी। तो आप आज आप पे है कि आप किस तरह एक अच्छी बीवी बन सकती है। इंसान उसका 31 बाप बस आयत में यूं लिखा है, नेकुकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मर्जान से भी ज्यादा है, उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद होता है और वो उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। अब क्या है, अच्छी बीवी किसको मिलती है, एक अच्छे शख्स को, अच्छे इंसान के लिए क्या है, अच्छी बीवी ही है। और उसकी कीमत क्या है, खुदा उसकी कदरों कीमत उसकी वैल्यू को कैसे बयान कर रहा है। खुदा कह रहा है इसकी उसकी कीमत जो है वो मर्जान से भी ज्यादा है, कीमती पत्थरों से भी ज्यादा है उसकी कीमत, कि अगर आप अच्छी बीवी हो। और फिर क्या है कि उसके शोहर को उस पर एतमाद होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने शोहर के साथ वफादार रहती है। जब आप अपने शोहर के साथ वफादार हैं तो फिर वो आप पे एतमाद भी करेगा और उससे मुनाफे की कमी ना होगी। एक अच्छी बीवी एक अच्छी फाइनेंस भी होती है, अपने घर को चलाती है, वो अपने रुपए पैसे को अच्छे तरीके से संभालती है, उसको पता है मैंने कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना, इसी तरह क्या है। और वो अपने शोहर के साथ कभी बदी नहीं करेगी,
कभी बेफाई नहीं करेगी, कभी किसी उसके माल में से भी हेरा फेरी नहीं करेगी, और वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सब सौदागरों के जहाजों की मालिक है, वो अपनी ख्वाहिश दूर से ही ले लेती है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपनी धुआने की कराती है और अपनी लोटियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबर सोचती है और उसे खरीद लेती है, वो अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है, वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है, वो अपने बाजुओं को मजबूत करती है, वो अपनी सुदागरी को सूर मन पाती है, रात को अपना चराग, रात को उसका चराग नहीं बुझता, वो तकड़े पर अपना हाथ चलाती है और उसको उसके हाथ हटेरे पकड़ती है, वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपने हाथ मुहताजों की तरफ बढ़ाती है। अब इस सारे आयत में, ये सारी जो आयतें हैं, ये एक तरह की नज़म कह लें कि आप औरत पे लिखी गई है, औरत की खूबियों को बयान किया गया है, एक बीवी को कैसे होना चाहिए, एक बीवी खाना भी बनाती है, बीवी घर की सफाई भी करती है, बीवी बच्चों की तरबियत भी करती है, बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रखती है। इवन के खुदा के कलाम में ये भी किया गया है कि मुफलिसों मोहताजों की जो ज़रूरतमंद है उनकी भी मदद करती है, दूसरों का भी एहसास करती है, वो हमेशा वो थकती नहीं है। एक औरत, हम अक्सर कहते हैं कि औरत 24 घंटे ड्यूटी दे, तो ये सच बात है, हम सब मेजोरिटी यहाँ पे जो है वो हाउस वाइफ बैठी है, बच्चों वाली है, तो एक औरत ऐसे सब काम करती है। फिर क्या आगे, जैसे जैसे आप उसको अगर घर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, फिर आगे लिखा है कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, वो हमेशा अच्छी बातें करती है, उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। एक अच्छी बीवी की हमेशा ही तारीफ की जाती है, और वो तारीफ उनसे कौन करवा रहा है, खुदा करवा रहा है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि इज्जत वो देता है, शोहरत वो देता है, दौलत भी वही देता है, और अगर आपकी तारीफ हो रही है तो वो भी इसी की तरफ से। अगर आप अच्छे हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम इस मियार पर उतरते हैं, हम इस मियार के मुताबिक हैं, अगर आप अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी तारीफ होगी, आपके बच्चे भी आपकी तारीफ करेंगे, आपके शोहर भी आपकी तारीफ करेगा। लेकिन वो जो औरत जो खुदावंद से डरती है, स्तुता होगी और उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी स्ताइश करो। हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है, हर किसी को तारीफ की जरूरत है, इस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक भी एक औरत की भी तारीफ करनी चाहिए, उसके कामों को दूसरों के सामने बयान करना चाहिए कि मेरी बीवी ऐसी है, बच्चे कहेंगे हमारी माँ ऐसी है, एक औरत हमेशा तारीफ के लायक है। फिर लिखा है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई लेकिन तू सब पर सबकत, सबकत ले जाना, बाजी ले जाना, जीत जाना, एक वही औरत जीत सकती है जिसमें ये सारी खूबियां, क्योंकि एक मकान को जो घर है वो एक औरत बनाती है, वरना तो एक मकान है, ईंटों का मकान है, लेकिन उसे घर जो है वो एक औरत बनाती है। औरत उसको घर कैसे बनाती है, अपने प्यार से, अपने सलीके से, अपने दिल से। इसलिए एक औरत बहुत वैल्यूएबल है, एक औरत की कदरों कीमत क्या लिखा है, मरजान से भी ज्यादा है। फिर खुदा के कलाम में हम ये भी बात सीखते हैं, इंसान उसका 14 बाप उसकी वाइफ, पहली आयत में लिखा है कि जो दाना औरत है वो अपने घर को फसाती है, बनाती है, लेकिन जो बेवकूफ है वो अपने ही हाथों से उसे बर्बाद कर देती है, वो अपने हाथों से उसे ढा देती है। कुरान मुकद्दस में ऐसे बेशुमार औरतों के बारे में बयान किया गया है जिन्होंने हिम्मत से अपने घर को बनाए रखा। आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी भी है जो अपने दोनों को अपने हाथों से बर्बाद करती है, अपने नादानी से, अपनी कम अकली से वो अपने घरों को खराब कर देती है। तो आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि किस तरह से जिन बहनों ने अपने घरों को कायम रखा है, अपने घरों को बनाए रखा है, उन्होंने कैसी बर्ताव था सीखी है। पहला सैमुएल उसका 25 बाब, इसलिए हम देखेंगे कि दो मियां बीवी का जिक्र है, नबाल और अबीजेल का।
अब इसमें लिखा हुआ है कि इस शख्स का नाम नवाल और इसकी बीवी का नाम एबीजेल है। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदतमीज था। अच्छा, जब दाऊद नबी वहां पर होते हैं पहाड़ी पे, तो दाऊद उसे कहता है, अपने लोगों को भेजता है नवाल की बीवी नवाल के पास कि देख तेरे भेड़ बकरियों का हमने ध्यान रखा है, तो अब हम यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो हमें कुछ खाने को भेज। तो नवाल जो है, जिसके बारे में बयान किया गया है कि वो कम अकल है, बेवकूफ है, अब वो क्या करता है, वो कहता है मैं नहीं दाऊद को जानता, मैं नहीं यसी को जानता, मैं क्यों उनके लिए खाने बना के भेजू। उसके जो कासिद होते हैं, जो उसके नौकर हैं, वो वैसे ही जाके उसको पैगाम दे देते हैं। तो फिर जो है दाऊद का गुस्सा भड़कता है, दाऊद नबी को गुस्सा आता है और वो अपने लश्कर के साथ आता है, वो कहता है काफी अपने लोगों के साथ अपने उनको लेकर आता है कि मैं तो आज इसके खानदान को खत्म कर दूंगा। वो उसकी इस बात से सख्त नाराज होता है, लेकिन जब उसका एक नौकर उसकी बीवी अभिजीत के पास जाता है, तो वो उसको बताता है कि किसी तरह बात हुई है, अब दाऊद गुस्से में है और वो लेकर आ रहा है, और वो कहते हैं कि मैं इनके खानदान में एक लड़का भी नहीं छोड़ूंगा। अब उस वो औरत जो है वो अकलमंद है, वो समझदार है, वो जल्दी से ढेर सारी रोटियां पकाती है, अंजीर के गोशे इकट्ठे करती है, मतलब ढेर खाना बनाकर वो जाती है और दाऊद के कदमों में गिर जाती है। वो कहती है कि मैं तेरी नौकरी हूँ, मेरे खाओ से ही गलती हुई है, लेकिन तू हमें माफ कर, देख मैं तेरे लिए खाना बना और दाऊद से माफ कर। और उसका शोहर जो है वो नशा कर रहा है, लेकिन एक औरत की अच्छी समझ से उसने अपने खानदान को बचाया, और दाऊद उसको कहता है कि तू मुबारक है, क्योंकि तू तेरी समझ मुबारक है, उसको कहता है कि तेरी समझ मुबारक है कि तूने अपने खानदान को बचा लिया। तो खुदा के कलाम से हम आज इसी तरह और आगे सीखेंगे। अब हम सीखेंगे रूथ की जिंदगी से। खुदा के कलाम में रूथ का बहुत जिक्र है, इसकी किताब में, इसके बारे में हम इसकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने ना सिर्फ अपना घर बनाया है, बल्कि खुदा के लिए आने वाली जनरेशन को भी इससे बना डाला है। हम देखते हैं कि जब रूथ की शादी होती है तो उसका शोहर मर जाता है, उसकी सास जो है, उसकी सास का भी शोहर मर जाता है और उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब उसकी दोनों बहुएं भी जो है वो भी बेवा है और वो खुद भी बेवा है, और वो अपनी बहुओं को कहती है कि मेरे तो और बेटे नहीं है कि मैं उनमें से किसी की शादी आपके साथ कर दूं, तो इसलिए तुम अपने अपने घरों को चली जाओ। लेकिन रूथ नहीं जाती, रूथ उसे कहती है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तेरा मुल्क है वो मेरा मुल्क है, जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है। रूथ पहली बात यह है कि वो वफादार रहती है अपनी सास के साथ, वो उसे नहीं छोड़ती। जब वो यरूशलम में वापिस आती है वो उसके साथ रहती है, फिर जैसे जैसे उसकी सास को जो जो कुछ सिखाती है वो बिल्कुल वैसे कहती है, वो जरा सा भी आगे पीछे नहीं करती। फिर वो उसकी उसको बोरेस के खेत में भेजती है, फिर वो उसको कहती है कि कैसे तुमने इसको इसके साथ रहना है, वो सारी बातें अपनी सास के लिए करती है, और हत्ता कि वहां से आकर एक एक बात वो अपनी सास को बताती है। उसको वो जब वहां खाने के लिए मिलता है वो उसमें से कुछ बचाकर अपनी सास के लिए करती है। ये उसकी मोहब्बत है अपनी सास के लिए, ये उसकी वफादारी है। रूथ की जिंदगी में ओबीडियंस बहुत है, वो बहुत ताबेदार है। उसकी दावेदारी का यही फल है कि जब बॉयज उससे शादी करता है, बॉयज उससे प्यार करता है, तो फिर उससे उम्मीद पैदा होता है, और उम्मीद से यसी और यसी से दाऊद, और दाऊद से खुदा यसूसी की नस्ल आती है, दाऊद की नस्ल से ही खुदा यसूसी। तो हम देखते हैं कि उसकी वफादारी, उसकी दावेदारी, उसकी अपनी सास के साथ मोहब्बत ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। देखेंगे मुकद्दसा मरियम की जिंदगी। मुकद्दसा मरियम का किरदार बहुत मजबूत किरदार है, उनके किरदार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो एक वाकिरदार, पाकीज़ा और बतूरा है।
बतूला ऐसी औरत को कहा जाता है जिसको कभी किसी ने छुआ ना, यानी कोई इतनी पाक हस्ती है और उसने खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया, उसने खुदाबाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। ये एक औरत का मुकाम इनके किरदार से भी हमें नजर आता है कि खुदा का फरिश्ता खुद उसके पास आता है। खुदा ने उसको अपने पास नहीं बुलाया पैगाम लेने के लिए, जहां पर थी खुदा ने वही उसके लिए पैगाम भेजा। और जब उसको ये पैगाम दिया जाता है कि तेरे बेटा होगा, तो पहले तो वो डर जाती है कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, लेकिन फिर वो कहती है कि मेरे लिए तेरे कोर के लोग, यानी कि वो खुदावन की मर्जी को पूरा करती है, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में देती है। आज हमारे खानदान में कहीं ना कहीं परेशानियां मुश्किल इसलिए है कि हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, हम खुदावन की मर्जी को अहमियत ही नहीं देते और ना ही हम खुदावन की मर्जी को जानते हैं। बल्कि जब हम दुआ भी करते हैं, हम खुदा से कुछ भी मांगते हैं, तो हम कहते हैं कि खुदावन हमें ये चाहिए, हमें ये दे, खुदावन हमें इस चीज की जरूरत है, हमारी जरूरत को पूरा। हमें चाहिए कि इनकी जिंदगी से हम सीखे कि जैसे उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कोर के मुआफिक हो, हमें भी अपनी जिंदगी में ये कहने की जरूरत है कि खुदावन जैसे तू चाहता है, जैसा तू चाहता है हमारी जिंदगी हो, जैसा तू चाहता है कि हमारी बेटियों की जिंदगी हो, खुदावन हमारी जिंदगी में वैसा ही हो। और मैं मुकस्सा मरियम वो हस्ती है जिसने खुदा के मनसूबे को पूरा किया, उसने हालात को नहीं देखा, उसने वाकियात को नहीं देखा। एक तुम्हारी लड़की का बच्चा पैदा करना उस वक्त में कहते थे संसार करते थे, लोगों की फिक्र नहीं की, हालात की फिक्र नहीं की कि लोग मुझे क्या देंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज हम ज्यादा इस बात को सोचते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि खुदा हमारे बारे में क्या सोचता है, खुदा हमसे क्या चाहता है। हम ये सोचते हैं कि वो मुझे ये कहेगा, वो मुझे बुरा कहेगा, हमें उसकी नजर में अच्छी बन जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं इस चीज को छुपा लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, हमें उनकी जिंदगी से ये सीखने की जरूरत है कि खुदा के काम के लिए हमें हर तरह के हालात का मुकाबला भी करना चाहिए। फिर मुकस्सा मरियम ने उसने अपनी बड़ाई नहीं की, अपनी तारीफ नहीं की, उसने अपने आप को बड़ा नहीं कहा, उसने ये कहा है कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, उसने खुदावन की तारीफ की है, खुदावन की हम की है, खुदावन को अच्छा कहा है और खुदा के मनसूबे पर ईमान लेकर आई, उसने खुदा के मनसूबे पर शक नहीं किया। उन्होंने उस दिन मेरी कहा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी तो शादी भी दाव पे लग गई है, मंगनी दाव पे लग गई है, मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, उसने शक नहीं किया। आज हमें भी अपनी जिंदगी में हर तरह के शक को निकालने की जरूरत है, हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है, हमें उस खुदा पर यकीन रखने की जरूरत है कि जो उसकी जिंदगी में अपने मनसूबे को कायम कर सकता है, वो आज हमारी जिंदगियों के मनसूबों में भी हमारे साथ है और उनको पूरा करने की कुदरत रखता है। फिर एक और हस्ती है, एक और किरदार है, दबूला। मज़ाक की किताब में इनका जिक्र है। ये क्या है? बनी इसराइल में ये नबी है, ये जज है। मज़ाक होता है काजी, जज, फैसला करने वाला। इस किताब में ज्यादातर हीरो का जिक्र है, बनी इसराइल में जो अच्छी शख्सियात होती है, जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए, उनके कामों का जिक्र इस किताब में है। लेकिन जब हम इसके किताब को देखते हैं तो वो कहती है कि मैं दबूरा बनी इसराइल में माँ होकर उठी, यानी कि ये शादीशुदा नहीं है, लेकिन इसका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है कि जब बनी इसराइल में जब उनके पास जन्म के लिए कुछ भी नहीं था तो दबूरा ने आगे होकर फैसला किया। ये जज थी बनी इसराइल में, ये नबिया थी, प्रोफेसी करती थी। इसका किरदार बहुत बड़ा है और इसके नाम का मतलब है कि शहद की मक्खी। शहद की मक्खी भी एक क्वालिटी होती है कि उसको खुदा ने हिस्स नहीं होती है, उसको पता है कि मैंने किस स्कूल पे बैठना है, किस स्कूल से मैंने रस लेना है, मैंने शहद को कैसे बनाना है, यानी कि एक अच्छी समझदार। उसने कहा है कि बनी इसराइल में से काजी जो है, जो नबी है, जो वॉरियर्स है, वो माकूफ हो चुके हैं, लेकिन मैं दुबूरा हूँ। हालांकि उसका किरदार वो एक नबिया थी, लेकिन उसने एक माँ की तरह बनी इसराइल में अपनी फिक्र की है, बनी इसराइल के लिए उसने बच्चों की तरह उनसे।
फिर हम ऐसी औरतों का भी जिक्र देखते हैं खुदा के कलाम में जिन्होंने खुदा के मंसूर की खिदमत की है। इसमें बहुत अहम किरदार है शनामी औरत का। दूसरा साथी उसके 8 बाप में है कि अलीशा नबी उस दौर में नबी थे। तो ये जो शनामी औरत है ये क्या करती है, ये अपने शोहर को कहती है कि ये नबी जो है, ये बंदा जो है, ये खुदा का मंसूर है, तो मैं इसकी खिदमत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम इसके लिए अपने घर में ऊपर एक कमरा बनाएं, इसकी जरूरत की चीजें इसे दें। अब उसकी अच्छी बात यह है कि वो ये फैसला अपने शोहर से उसके साथ इस बात को डिस्कस करके फिर ये फैसला देती है। वो अकेली फैसला नहीं लेती, ये उसकी समझदार। आज हमारे घरों में हमें अगर कहीं किसी फैसले की जरूरत है तो एक बीवी को चाहिए कि वो हर बात पे अपने शोहर से फैसला करे। उसका शोहर इस बात को मान जाता है, फिर वो उसके पास रहता है, अलीशा का भी वो उसकी खिदमत करती है, लेकिन वो औरत जो है उसकी कोई औलाद नहीं है। तो फिर एक दिन अलीशा नबी उसको कहता है कि तुझे क्या चाहिए, मुझसे मांग। तो वो उससे मांगती नहीं है, लेकिन उसका जो नौकर है हजाजी वो उसे कहता है कि ये इसकी औलाद नहीं है। तो वो दुआ करता है उसको औलाद की बरकत दे, उसकी औलाद हो जाती। फिर कुछ अच्छे बाल ऐसे होते हैं तब अलीशा नबी वहां से चला जाता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो मर जाता है। वो फिर उसको उसके पास लेकर जाती है और उसके दुआ करने से वो बच्चा जिंदा होता है। हालेलुया, अब्राहम की तासीम हो, वो बच्चा जिंदा हो जाता है। फिर जैसे आगे चलते वो कुछ अरसे बाद का वहां पे काल पड़ता है, तो अलीशा नबी इसको कहते हैं कि तू इसको लेकर ना दूसरे मुल्क चले जाती है क्योंकि इस मुल्क में काल पड़ने वाला है। वो चली जाती है। जब 7 साल बाद मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो वो वापिस आती है। तो जब वापिस आती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जायदाद पर किसी ने कब्जा कर लिया है। जब बादशाह के पास जाती है तो तब उसकी जो जायदाद है जितनी भी उसके पास 7 साल वो छोड़ के गई थी और 7 साल उसके खेत में जो फसलें भी उगी थी वो भी उसको वापस की जाती है। तो खुदा उनकी तजीम हो इस बात के लिए कि जब भी किसी ने खुदा के मंसूर की खिदमत की है उसने उसका अजर पाया। ये बरकत उसको कहाँ से मिलती है, उस अलीशा की खिदमत। एक और हम देखते हैं पीछे हमने पढ़ा हेरोदियास की बेटी ने, उसने मंसूर के साथ क्या किया, उसने उसको कत्ल करवा दिया, उसका सर कटवा दिया। और अगर इसको देखें उसने खिदमत करके क्या बरकत हासिल किया। इसी तरह साफर की बेवा है, जब एलिया नबी उसके पास जाता है तो वो कहती है मेरे पास तो मेरे तो आटे में मटके में आटा भी नहीं है, तेरे की कुप्पी में तेल भी थोड़ा सा है, लेकिन वो उसको कहता है कि तू मुझे खाना खिला। उसको खिलाती है तो उसके पास उसकी दुआ करने से उसके पास इतना आ जाता है कि उसकी इस चीज की कमी नहीं। तो आज भी जब भी खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर कोई मेरे खादिम को एक गिलास पानी का भी पिलाता है तो वो अजर का हकदार है। तो जिन जिन्होंने अब दलैला ने क्या किया है उसका अंजाम क्या होगा, जब जब आप खुदा के मंसूर को उसके कल पुरोते हैं तो आप सजा होगा। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामे में पोतीफार की बीवी का जिक्र है कि कैसे वो यूसुफ को गुमराह करती है, भड़काती है, कि वो चाहती है कि उसके साथ तालुक को कायम करे, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ, खुदा उसे बचाता भी है, खुदा उसकी रहनुमाई भी करता है। हम यही बात सीखने की जरूरत है कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अच्छे मुकाम पर हैं। अब पोतीफार की बीवी एक अच्छे मुकाम पर, लेकिन वो अपने मुकाम का, अपनी उस जगह का गलत इस्तेमाल करती है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसी तमाम औरतें जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत काम किए हैं, जिन्होंने गलत रास्तों को चुना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत फैसले किए हैं, उनका अंजाम बेइज्जती है, जिंदत है, बर्बादी है, उन्हें आज भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता। इसके बाद
खुदा के कलाम में कुछ ऐसी माओं का भी जिक्र है जिनकी औलाद नहीं, उसने एक बहुत अच्छा किरदार। अब हम जाहिर है कि आगे बढ़ रहे हैं, माँ की बात करेंगे, एक माँ को कैसा होना चाहिए। इसमें बच्चा मरियम का किरदार भी हमारे सामने है कि वो अच्छी बीवी भी बनी है और अच्छी माँ भी। उन्होंने गुलाम सूफी की अच्छी तरीके है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे 30 साल उन्होंने अपनी माँ बाप की खिदमत की। तो हम देखते हैं तो इसमें अच्छा किरदार कौन सा है, हन्ना का है। हन्ना जो है वो बांझ है। हन्ना बांझ है, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला सैमुएल की बीवी है और फिनना जो है वो उसकी सौतन है, ठीक है। अब वो उसको चिढ़ाती है, फिनना जो है वो हन्ना को चिढ़ाती है कि देखो मेरी तो औलाद है और तुम्हारी औलाद नहीं है। इसी तरह वो आते थे खुदावन की हैकल में, खुदावन की चौखट पे आके वो कुर्बानी गुजरते थे, तो अरकाना जो है वो अपनी दोनों बीवियों को साथ लेकर आता था। अब हन्ना जो है, हन्ना खुदा की हजूरी में हर दफा आती होगी, खुदा से दुआ भी करती होगी, हो सकता है वो पहले ये दुआ करती हो कि ये मेरी सौतन है, ये मुझे चिढ़ाती है, खुदावन मुझे भी बुला दे, मैं थक गई हूँ, मुझे ऐसे कर दे। तो हम ये देखते हैं कि जब वो इस दफा आई है तो उसने खुदा की हजूरी में क्या दुआ की है। सो वो खुदा से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा कि ए रब अलफाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद करवाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदा की नजर करूंगी और उसका उसके सर पर कभी ना फिरेगा। अब हमारी जिंदगी में भी मुश्किल भी आती है, परेशानियां भी आती है, हमें भी अक्सर लोग तालीम देते हैं, कई बातों पे चिढ़ाते भी हैं। अब ये हम पर है कि हमने अपनी जिंदगी में क्या फैसला, हमने हन्ना की तरह खुदा की हजूरी में जाकर होना है, अपनी तमाम मुश्किल को, अपने दिल की बातों को खुदा के साथ जोड़ना है, खुदा की हजूरी में रखना है, या हमने बस उससे चलते रहना है, घूमते रहना है, परेशान होते रहना है। इसकी जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि जब उसने दुआ की तो खुदा ने उसे बेटा दिया। जब सैमुएल 6 साल का हुआ तो वो उसे वहाँ हैकल में दुआना लेकर आती है और वो उसे वहीं में छोड़ाती है और फिर वो ये कहती है कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सिर खुदावन के तहत से ऊंचा हुआ, फिर वो खुदावन की वडियाई करती है। तो आज हम हन्ना की जिंदगी से ये सीखते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में मुश्किल परेशानी है तो हमें उसके आगे रोने की जरूरत है और अपनी दुआओं के तरीके को बदलने की जरूरत है। तो हो सकता है, मैंने कहा कि वो पहले ये दुआ कर रही हो कि मेरी सौगन मुझे ताली देती है, मुझे भी ला दे, खुदा मुझे क्यों नहीं दे रहा। लेकिन जब उसने ये दुआ की कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसे तेरी हजूरी में दे दूंगी, तेरी नजर कर, और अपने वादे के मुताबिक वो यही करती है और फिर खुदा की नजर उस पर ठहरती है, खुदा उसे और बेटे बेटियां देता है। एक तरह वो राहिल है, राहिल जो है वो यकूब की बीवी है। यकूब ने लिया और राहिल से शादी की, लिया जो है उसके बच्चे हैं लेकिन राहिल के बच्चे नहीं है। और लिया क्या है, वो जलती है अपनी बहन से और फिर अपने शौहर से लड़ती है कि मुझे बच्चे क्यों नहीं है, मुझे क्यों बच्चे नहीं देते। तो यकूब का कहर जो है उस पर भड़कता है और वो उसको कहता है कि क्या मैं खुदा हूँ, मैं तुझे औलाद दे। बेशक बाद में खुदा की नजर जो है वो राहिल पर होती है, खुदा उसे यूसुफ देता है। लेकिन इस बात से सीखने की ये जरूरत है कि इन बातों से हमें जलना नहीं चाहिए। खुदा की देन है, वो जिसे चाहे देता है और जिसे चाहे नहीं भी देता, लेकिन उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमें बस उससे मांगना आना चाहिए। खुदा आज भी सब कुछ देने की कुदरत रखता है,
उसकी जिंदगी में सब कुछ है। और जब वो दुआ करते हैं तो खुदा उन्हें भी औलाद देता है। इसी तरह रिबका है, 20 साल बाद खुदा को उसे औलाद दी। इसहाक जो है वो 60 साल का था जब वो बाप बना। इसकी बुकारी बात थी कि हम सारा की जिंदगी को देखते हैं बुढ़ापे में खुदा भी उसे औलाद दी। ऐसी तमाम बहनें, कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जिनके पास औलाद नहीं है। खुदा का कलाम उनके लिए भी तसल्ली बख्श है। खुदा आज उन्हें भी इत्मीनान देता है कि वो आज भी सब कुछ देने की कुदरत रखता है। एक और मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि इसी तरह एक दफा खुदा के एक खादिम है, खुदा उन्हें आसमान पर लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वहां के बिना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब खुदा की हजूरी में सब कुछ अच्छा है। हम अक्सर दुआ करते हैं ना कि अपने इलाही खजाने से हमें अच्छी चीजों से मिला। तो खुदा के खजानों में कमी नहीं है, लेकिन उस खुदा के खादिम ने खुदा के से पूछा कि खुदा तेरे पास इतनी ढेरों ढेर चीजें हैं, ऐसी क्यों पड़ी है तू अपने लोगों को दी? तो फिर खुदा कहता है कि वो मांगे नहीं, आप खुदा से मांगे, आपको जिस चीज की भी जरूरत है, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। आपको जितनी मर्जी जैसी जैसी चीजें चाहिए उसके पास वो सब कुछ पड़ा है, क्योंकि आप हमें औलाद नहीं दी। जो बहने हैं उनको बस हन्ना की तरह उनको दुआ करनी चाहिए। वो कहती है कि खुदा ने मेरे आंसुओं को देखा, खुदा आज भी आंसुओं को देखता है, खुदा आज भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम लास्ट में आज सीखेंगे कि बूढ़ी औरतों को कैसे होना चाहिए, जो हमारी सास हैं, माएँ हैं, उनको किस तरह होना चाहिए, और आखिर को एक दिन हमें भी इसी स्टेज पे जाना है तो हमें भी किस तरह होना चाहिए। आज हम खुदा के कलाम से इस बात को सीखेंगे कि जो बूढ़ी औरतें हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। हम देखेंगे पीतर्स का पहला खत, उसका दो बार रसूल का पाठ उसके दो बाप उसकी तीन आयत में इस तरह लिखा है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुबतला ना हो बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो। औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो, और अपने अपने शोहरों के ताबे रहे ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन। आजकल मोस्टली आजकल क्या हाल तो होते हैं ऐसा है कि हमारी जो बूढ़ी होते हैं वो ज्यादातर तो घरों में लड़ाई ही करते हैं, कोई ना कोई बात, किसी ना किसी बात पे झगड़ा, बहू से झगड़ा, बेटे को कुछ भड़का दिया। खुदा का कलाम कहते हैं कि ऐसी औरतें नहीं होनी चाहिए, तोहमत लगाने वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली होनी चाहिए। मतलब सब बुरी औरतें ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी हैं, कुछ अच्छी है जो खुदा में है, खुदा की बातें ही सिखाती है। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि बुरी औरतों को ऐसी नहीं होना चाहिए, उन्हें तोहमत लगाने वाली नहीं होना चाहिए, ना मैं पीने वाली हूँ, बल्कि वो अच्छी बातें सिखाए, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को अच्छी बातें सिखाए कि वो अपने शोहरों के ताबे रहे, अपने खानदान की, अपने घर की अच्छी तरबियत करें, अपने छोटे बच्चों को जो उनके नवासे हैं, नवासियां हैं, पोते पोती हैं, उनको अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ना कि घर में कोई फसाद पैदा करने वाली होनी चाहिए।
और फिर ये भी लिखा है कि अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर खुदा का कलाम बदनाम होता है, तो खुदा के कलाम को बदनाम हम नहीं कर सकते। फिर हम एक और देखेंगे हवाला, पलूस रसूल का खत तिमोथियस के नाम का दूसरा खत है, पहले बाकी 5 और 6 आयत है। पलूस रसूल से क्या कहते हैं, और मुझे तेरा वो वेद या ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखती है। मुझे याद दिलाया गया है। अब इसमें हमारे लिए सीखने की ये बात है, अगर माँ की माँ ईमान में मजबूत है तो खुदा के खादिम को ये बात दिलाई, याद दिलाई गई है कि तेरी जो है नानी वो भी ईमानदार थी, तेरी माँ भी ईमानदार है, और मुझे यकीन है कि तू भी वही ईमान रखता है। तो जितनी बूढ़ी औरतें हैं, जितनी हम जवान बहने हैं, बीवियां हैं, हमें अगर हम ईमान में मजबूत होंगे, हम इस बात से ये सीखते हैं कि अगर हमारे ईमान मजबूत होंगे तो वो ईमान क्या है, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगा, आगे आपकी नस्लों में वो बात जाएगी। तो अभी आज हम ये बात यही सीख रहे हैं कि ईमान में मजबूत होने वाली बुजुर्ग औरतें होनी चाहिए, अच्छी उस्ताद होनी चाहिए, अच्छी बातें सिखाने वाली होनी चाहिए, अपने घर का अच्छा निजाम चलाने वाली होनी चाहिए, उन्हें कानून और शरीयत यानी कि खुदा के कलाम के आईन और उनकी बातों का ध्यान होना चाहिए। वो खुद ये बातें जानेंगी, सीखेंगी तो वो सिखाएंगी ना। फिर एक और औरत, बुजुर्ग औरत का जिक्र खुदा के कलाम में है, हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 2:36। कलाम में लिखा है लूका के इंजील उसका 2:36 में, और आशीर के कबीला में से हन्ना नाम पनुएल की बेटी एक नबिया थी, और वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना हो बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती, और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सबसे जो यरूशलेम में छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बात करने लगा। अब ये है कि जब खुदा यीशु मसीह को लाया जाता है यरूशलेम में, तो ये जो है नबिया है, ये क्या है, ये इसी इंतजार में है कि खुदा के उस निजात दहिंदा को देखे, इसी छुटकारे की मुंतजर थी। हम देखते हैं कि जब पेशन गोई पहले हवा को की गई थी, अब नए अदामे में वो पेशन गोई ये करती है, वो उसने देख लिया है, उसने वो बाहर जाती है और सब लोगों को कहती है कि जिस छुटकारे के मुंतजर थे वो आ गया, वो खुदा यीशु मसीह को देख लेती है। और इससे इसकी जिंदगी से हम क्या सीख रहे हैं, रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती, 84 साल की औरत है, बेवा है, वो बूढ़ी है, और वो क्या है कि दुआओं और रोजे में रहती है। इसकी जिंदगी से ये हम सीखते हैं कि जो हमारी बुजुर्ग औरतें भी हैं उनको भी खुदा में मगर रहना चाहिए, खुदा के साथ उन्हें भी दिल लगाने की जरूरत है। जब वो कोई काम नहीं भी कर रही तो उन्हें जरूरत है कि वो दुआ में अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए उसकी हजूरी में झुके, उससे बरकत मांगते हैं। ये थे आज सारे किरदार एक औरत मुख्तलिफ जो स्टेजेस पे होती है, और डिफरेंट डिफरेंट किरदार, कहीं पे वो बेटी है, कहीं पे वो बहन है, कहीं पे वो माँ है, कहीं पे वो बीवी है, फिर कहीं पे नानी है, दादी है। तो इन सब बातों के लिए एक ही बात है कि हमारी बेटियां कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानी,
हम देखेंगे कि आज कौन सी बेटी सबक लेकर जाती है, वो जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, वो जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो जिसके अंदर खुदा का खौफ है, वो जिसकी जिंदगी पाकीज़ा है, वो जो अपने माँ बाप की फरमाबरदार है और वो सब तक ही मिल जाएगी, वो जो हर रोज दुनिया या जिसकी ख्वाहिशों के पीछे भाग रही है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन खुदा का कलाम जिंदा रहेगा। और अगर ये मकदस पाक है, अगर इसमें खुदा का कलाम है, अगर इसमें खुदा की हजूरी है, तो आपकी जिंदगी आपके घराने बाबरकत है और आप एक ही तरह से आगे निकल सकती है। अगर आपके में किरदार की ताकत है, आपका किरदार मजबूत है, आप उसी में साबित कदम है, आपका चाल चलन में पाकीज़गी है, तो आप अजमत भी हासिल करेंगी, बेहतरी भी हासिल करेंगी, आप आगे भी बढ़ेंगी। मैंने बहुत सारे खुदा के कलाम में से बहुत सारी शख्सियात का जिक्र किया है। आज भी जिन बहनों ने, बेटियों ने, माओ ने अजीम काम किए हैं, आज हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, आज हम उन्हें अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। और उन बहनों बेटियों ने जिन्होंने गलत फैसले किए हैं, जिन्होंने गलत राहों को चुना है, आज उन्हें हम अच्छे लफ्जों में याद नहीं कर रहे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनकी जिंदगी से हम अच्छी बातें सीखते हैं। तो आज इस सारे सेमिनार का यही मकसद है कि चॉइस हम आती है कि हमने खुदा के साथ चलना है या दुनिया के साथ चलना है, हमने रूहानियत में आगे बढ़ना है या हमने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के, जिस्मानी जरूरतों के पीछे बढ़ना है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये जिस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में जाना चाहते हैं तो हमेशा की जिंदगी पाए, तो हमें आज कलाम यही सिखाता है कि हम इस मकसद से उसकी हुक्मों को जगा अपनी जिंदगी को उसकी हुक्मों में बिताए। आज के कलाम के वसीला से खुदा भी हम सबकी जिंदगियों को बदले और आज के कलाम के वसीला से सब बदले इसी के नाम।